निखिल सर को होस्ट का ऑप्शन नहीं आता है, थोड़ा आप चेक कर लेना, मैं आपको क्रेडेंशियल दे दूंगा। तो इसमें है ना अभी नए इसमें जूम में को होस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके मैं चेक करता हूँ। अभी आप होस्ट हो। किसी को से वेबिनार स्टार्ट करने से पहले, वेबिनार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं, या क्या आप जानते हो बोन सेटिंग के बारे में, थोड़ा ब्रीफ करना है। बोन सेटिंग सीखना मतलब क्या सीखना है एग्जैक्टली, आपको क्या लगता है? कोई भी बात नहीं कर रहा है ऐसा है, तो फिर 15 मिनट में वेबिनार खत्म कर दूंगा मैं। हाँ किरण सर बोला। सर काही असा म्हणजे मानवी संरचनाबद्दल थोडस जाणून घ्यायचं उत्सुकता। मतलब पहिल्यांदाच मी अटेंड करतोय बोन सेटिंगचा तुमचा कार्यक्रम, तर बरोबर एवढं काही मला माहित नाहीये, पण थोडी उत्सुकता आहे काही की काय शिकवतील काय शिकवतील वगैरे असं। यूट्यूबर व्हिडिओ वगैरे बघितलेले आहेत? हां सर, थोडेफार बोन सेटिंगचे वगैरे व्हिडिओ वगैरे बघितले बऱ्याच, म्हणजे आता वेगवेगळ्या संस्था वगैरे आपापले व्हिडिओज वगैरे यूट्यूब वरती किंवा इंस्टावरती अपलोड करतात। तर तुमच्याकडून काही असं लाईव्ह काही शिकता येईल असं थोडस उत्सुकता आहे म्हणून मी बघत होतो। येस ऑफकोर्स, शिकायचंही आहे सोसायटी पर्यंत, या थेरेपीला आपल्याला न्यायचं आहे, तोच आमचा प्रयत्न आहे। बाकी आम्ही आमच्या ओपीडीचा लोड एवढा आहे की माझ्या 4 ओपीडी आहेत, मुंबई नाशिकला 2 आहेत, मुंबईला 1 आहे, सर मुंबईला कुठे? मुंबईला आपल्या नवी मुंबईला वेदांत परब सर म्हणून आहेत ते बरं, हाँ बघतात बरं पूर्णपणे। बरं। आणि तुमची आता विजिट आपलं वगैरे कधी पाहिजे? ठीक आहे ना, ते बघू आपण, ते तुम्हाला नंबर तर मिळेल पुढे जर तुम्ही एनरोल करताय तर। आपण कुठे राहता? हाँ सर पुण्यात? मी चर्नी रोड साउथ ओके मुंबई। हाँ मुंबईला। बरोबर आहे, तुमचा एरिया वेगळा होऊन जातो, तिकडेही गरज आहेच आपल्याला। हो तर तेच आहे की हाँ हाँ जेवढे 100 लोकांनी ट्रेनिंग घेतली ना, त्यातून जरा 2 ते 3 लोक असे मिळतात, मी तर म्हणतो एकच मिळतो एखादा, जो व्यवस्थित आमच्या कनेक्ट मध्ये असतो आणि प्रॅक्टिस करतो, पण जोही करतोय आणि मला मिळालाय त्याला आम्ही डायरेक्टली रेडी बिझनेस देतोय। फक्त तुम्ही किती डेडिकेशनने काम करता ते महत्वाचं आहे, सोसायटीला रिझल्ट डिलिव्हर करायचे। आपल्याकडून बरं, 10 पेशंट बरे झाले नाही चालतील, पण एकही पेशंट ओके आपल्याकडून खराब होता कामा नये, बरोबर, याला जास्त प्राधान्य देणं गरजेचं आहे। ठीक आहे, त्याच्यावर काम करायचंय। ओके जस्ट अ मिनिट आहे। बोन सेटिंग मीन्स आई थिंक रिस्टोर नॉर्मल जॉइंट फंक्शंस एंड मसल बैलेंस, करेक्ट। तो और 5 मिनट हम डिस्कशन लेते हैं कि बोन सेटिंग, या फिर इंडियन कायरोप्रैक्टिक भी बोल सकते हैं हम उसे। कायरोप्रैक्टिक जो वर्ड है वो पेटेंट किया गया है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, सो हम इसे बोन सेटिंग बोलेंगे, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। सो बोन सेटिंग मतलब सिर्फ हड्डी चटकाना है क्या? माइक अनम्यूट कर लो ना, जिनके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है वो माइक अनम्यूट कर लो। थोड़ा डिस्कशन करते हैं ना, एक प्रॉपर अपना प्रॉपर डिस्कशन हो जाएगा तो सेशन लेने में मजा आता है।
ये तो बस मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बीच में कोई ओके लेफ्ट ठीक हो रहा है, ओके? ये काम नहीं चाहिए। तो मशहूरी देशमुख है, स्पेलिंग चुकले का, माधुरी वगैरह का है, मशहूरी माधुरी, करेक्ट। मैडम काय प्रोफेशन है आपलं? फिजियो, ग्रेट। बीपीटीए, बीपीटीए चाहे मैडम कि डीपीटी? बीपीटीएच, ग्रेट। सो बीपीटीएच जे आहेत त्यांची खूप गरज आहे आम्हाला, तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकता या टेक्निकला, आणि मेन म्हणजे डिलिव्हर करू शकता पुढे स्टुडंट्स मध्ये, ठीक आहे? आपलं नॅचरोपॅथी कॉलेज पण चालू होतं या दसऱ्याला, तिथेही आपण लॉंग टर्म कोर्सेस पण रन करणार आहे, शॉर्ट टर्म आहेत, 2 सेटिंगचा डिप्लोमा आहे, त्यासाठी आपल्या फॅकल्टी लागणार आहे। तर या सगळ्या गोष्टी आहे, प्लॅटफॉर्म्स पण अवेलेबल आहेत पुढे जाऊन तुम्हाला। बोन सेटिंग बघितलं नसेल तर जरा मी इथे आपण काही शॉर्ट्स प्ले करूया। तीन मिनिट आहेत आपल्याकडे अजून, 9:15 ला स्टार्ट करू आपण। सो इथे काय करतोय आपण जरा ते बघायचं आपल्याला। तर बोन सेटिंग मध्ये या ज्या आजी आहेत त्यांचं कोणतंही आपण मानेला जर्क वगैरे देतोय का, तर फक्त ते देऊन होईल का? ते द्यायला तर शिकणारच आपण, पण मस्क्युलो स्केलेटल सिस्टम वर काम करणे गरजेचं आहे। आणि एकाच सिटिंग मध्ये पेशंटला तुम्ही कसं रिलीफ देऊ शकता? वॉइस है तुमसे, सर व्हिडिओ क्लिअर दिसत नाही आहे आणि आवाजही नाही आहे बॅकग्राऊंडला व्हिडिओचा. एक सेटिंग आहे हाँ, त्यांचं, पहिला स्टिफनेस सेट भरपूर आहे बॉडीला, तर तीन लेफ्ट सेटिंगमध्ये फॉर रिलीफ, आपण रिलीफ पूर्ण कवर. तुम्ही आज थेरपी घेतली तर आधी काय त्रास होता आणि आता किती रिलीफ जाणार? होता जे मला डॉक्टरांनी ऑपरेशनचं सांगितलेलं, पण मी आता जी थेरपी घेतली त्यामुळे नाही, पहिल्यांदा मला कमरेचा खूप प्रॉब्लेम होता, खाली बसले तर लवकर उठता येत नव्हतं, आणि राईटचा जो पाय होता तो पूर्ण जाम, नस पूर्ण जाम व्हायची माझी, आणि थोडंफार चालण्यात आलं, 1-2 वेळा जिना वगैरे चढला तर खूप दुखायचं कंबरमध्ये, खूप असं मतलब 15 दिवसाला, असं 10 दिवसाला एक मला गोळी खावी लागायची पेन किलर। तर आता जी ट्रीटमेंट घेतली त्यामुळे खूप रिलीफ पडला मला, खूप तुम्ही चालून खूप चांगलं बघितलं वाटलं। हा चालून व्यवस्थित आहे, वगैरे पूर्ण पूर्ण ते किती हंड्रेड टक्के पर्सेंटमध्ये 90% म्हटलं तरी चालेल, पूर्ण एकदम रिलीफ आहे। पहिली पहिल्या सिटिंग वर्षापासून आहे केलं, तुमचं, हा पहिला स्टिफनेस सेट, भरपूर आहे बॉडीला, हा तर तीन लेफ्ट सिटिंगमध्ये फॉर रिलीफ, आपण खूप रिलीफ वाटलं, पूर्ण कवर करू. खूप खूप थँक यू. थँक यू। गोल्डन शोल्डरला तेवढा छान रिझल्ट आहे, कारण इथे वॉचमॅन आहे, त्रास होता ते मला बोलले, फक्त 2 मिनिटाचा ट्रीटमेंट दे, 6 महिन्यापासून ते रेंजला 2 मिनिटात होतो, हे असं मॅजिक जेव्हा लोक बघतात ना, तर त्या पेशंट त्यांनी मला दुसऱ्या दिवशी 4 मिनिट पाठवले। इथे काही वेगळं दिसतंय बरोबर, फक्त हाड वाजवायला आपण शिकवणार नाहीये, तर पूर्ण मस्क्युलर स्केलेटल सिस्टम वर काम कसं करायचं हे आपण इथे शिकणार आहे। याच्यामध्ये इथे काय करतोय आपण, फेशिया रिलीज करतो, कारण आपण किती 2 सेट केले, फाईन अलाईन केला, पण जर मसलला, मसलवर ताण आहे आणि त्यांना जर रिलीज केलंच नाही, फेशिया रिलीज केलाच नाही, तर ते मसल्स पुन्हा ॲनाटॉमी बिघडवणार आहे। तर हे ट्रेनिंगमध्ये लाईव्ह पेशंट करतो आपण, जेव्हा ट्रेनिंग आपलं चालू असतं तेव्हा ओपीडीचे सर्व पेशंट जे आहेत ते ट्रेनिंग कॉलेजला बोलवतो आपण,
आणि जे तुम्हाला शिकवणार आहे, किसी को मराठी नहीं चलेगा ऐसा है कोई कि मराठी इज ओके, कोई नॉन मराठी है या फिर नॉन महाराष्ट्रियन है बट मराठी समझ में आता है वो भी ठीक है, या फिर हिंदी में कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज कन्वीनियंट। हिंदी ओके, आवाज कम आ रहा है। हाँ अभी है प्रॉपर आवाज, आवाज आ रही है अभी कि और साउंड साउंड इंक्रीज करना है मेरा, ठीक नहीं नहीं बराबर है ऐसा। है ना। तो हिंदी में ही करते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हम लाइव पेशेंट पे भी काम करते हैं, जब आपका 3 डेज वर्कशॉप होता है तो उसमें कोई भी चीज आपको सिखाई गई है उसके अलावा हम नहीं करते हैं, जो आपको सिखाया है उसमें से ही जो है काम होता है वहां पे। तो आपको समझ में आता है कि सर आपने तो यही सीखा, आपने सिर्फ यही तो स्टेप किए जो आपने हमें सिखाया, लेकिन पेशेंट को तो सामने रिजल्ट आ गया। तो ये भी हम काम करते हैं। दूसरा है कि जो मेंटर रहते हैं, मेंटर ये सिस्टम हमने एक लाया है हमारे वेबिनार में, जो मेरे स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उन्हें हम बुलाते हैं वर्कशॉप के दिन, और एक एवरी प्रैक्टिशनर के पीछे हम 7 से 8 लोग उन्हें ग्रुप बना के देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो पर्सनली आपको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर नहीं तो क्या हो जाता है, एक ही ट्रेनर होता है और पूरे 20-25 लोग उसी के बाजू में खड़े रह के देख रहे फिर प्रैक्टिस कर रहे, तो फिर वो उसमें मजा नहीं आता है। तो हमें क्या है कि जो भी है आपसे ईच एंड एवरी स्टेप कम से कम 10-10, 20-20 बार यहाँ पे करवा लेना है, तो मेंटर सिस्टम भी रखा है। तो ठीक है अभी जाते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल आपने देखा तो वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ ट्रेनिंग्स के वीडियो भी हमने कुछ डाले हैं ग्लिम्सेस, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा चैट में। कोई ऐसा है कि जो ऑलरेडी बोन सेटिंग कर रहा है अपने क्लिनिक में, है कोई ऐसा बोन सेटिंग कर रहा है या फिर मायोफेशियल रिलीज अपने पेशेंट को दे रहा है, ऐसा हमारे नहीं है। ठीक है चैनल का लिंक मैंने डाला है, तो ये वीडियोस में ना प्लेलिस्ट में मैंने ट्रेनिंग वीडियोस करके भी प्लेलिस्ट है, तो जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग के वीडियोस वगैरह और बाकी भी ट्रीटमेंट कैसे देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और चैनल पे मैं ओपनली ट्रेनिंग के वीडियोस जो है वो टेक्निक्स के वीडियो शेयर करता हूँ, हमें नॉलेज छुपा के नहीं रखना है, ठीक है। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो देख के क्या होगा, बराबर। इसमें स्पाइन के साथ अगर खेलना है आपको तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए आपको आना है 3 दिन के लिए। तो कोई ऐसा नहीं है जो बोन सेटिंग कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम सीखने क्या वाले हैं, हम सीखने वाले हैं इंडियन कायरो बोन सेटिंग, ओके। सो ट्रेडिशनल बोन सेटिंग भी हम बोल सकते हैं एंड स्पाइनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, जो भी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है उस पे काम करना जरूरी है। सिर्फ चटकाना हमें सीखना है क्या, तो नहीं, चटकाना तो नाई भी कर लेता है कि नहीं, बराबर। और लोगों को अच्छा लगता है, लोग तो वही वीडियोज देख के आते हैं, तो आपको वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में जरूरी क्या है आपको, सर ये आगे देखेंगे सर, अभी मेरा सेशन होने दो, अभी इसमें सेशन में अभी किसी को भी कोई डाउट क्वेरी है आप पार्किंग लॉट में रखो, चैट में डालेंगे तो भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे लास्ट में ओपनली
हम डाउट्स क्वेरी लेंगे, और मैं बोलता हूँ कि एंड ऑफ द सेशन कोई डाउट आपका नहीं रहेगा रिगार्डिंग डिप्लोमा कोर्स और जो भी हम हमारा टीचिंग पैटर्न है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बाद में भी कुछ रहता है तो हम ओपनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटेशन में फटाफट खत्म कर लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फीस कितनी है, क्या है, वो सब आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो 19 पीपल आर देयर, ठीक है। सो मेरा वेबिनार जो होता है, हम प्रमोशन यही हिसाब से करते हैं कि अराउंड 20 या मैक्सिमम 30% ही वेबिनार में कनेक्टेड होने चाहिए, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस विथ ईच एंड एवरीवन, ठीक है। सो प्रॉपरली डिस्कशन होगा, उसमें ना आपका टाइम खराब होगा ना मेरा खराब होगा। सो एक ही बार जो है सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको डिसीजन लेना है और काम करना है, ठीक है। सो इंडियन कायरो बोन सेटिंग जो हम सीखने वाले हैं, तो इसमें मैं क्या बोल रहा था कि हमें फैसिनेशन की तरफ नहीं जाना है। कोई ऐसा अगर बोल रहा है कि हाँ यूट्यूब पे जो आवाज निकालते हैं बराबर, वैसे वो आवाज निकालना मुझे आएगा क्या, ऐसा भी लोग पूछते हैं। उनको लगता है कि ऐसा फैसिनेशन, ये अगर मुझे आया तो मैं फेमस हो जाऊंगा बराबर, या फिर लोग मेरे पास आएंगे, मैं भी वीडियो डालूंगा, तो ये इतना इजी है क्या? इसमें इंजरीज के भी तो चांसेस रह सकते हैं कि नहीं, सो हमें वो भी देखना है। इसीलिए बाकी जो कोर्सेस है हमारे, वो हम ऑनलाइन रन करते हैं, बट बोन सेटिंग का जो कोर्सेस है उसके लिए ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही सब, आपको थेरोटिकल एंड स्टेप्स के वीडियो, बट 3 दिन आपको कॉलेज में आना बहुत जरूरी है। चाहे आप इंडिया से कहीं से भी हो, आपको 3 दिन के लिए हमारे यहाँ पे आना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस कि पूरा टीचिंग फैकल्टी और सेटअप लेके हम किसी सिटी में जाए, ठीक है। और वहां पे लाइव पेशेंट भी नहीं आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो हो जाएगा। और सिर्फ हमारा नेचुरोपैथी कॉलेज नहीं है, तो पैरामेडिकल कॉलेज भी है। सो पैरामेडिकल है तो वहां पे आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक्सरे मशीन है, ओके। वहाँ वो प्रोसेस प्रोफेसर से आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव एक्सरे का डेमोन्स्ट्रेशन आप ले सकते हो, या फिर एन नंबर ऑफ एक्सरे के केसेस जो है हम वहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल एक्सरे और पेशेंट के एक्सरे में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हमें सीखना है। तो सिर्फ चटकाना जो है ना, वो कंसेप्ट है। कोई कोई बोलता है कि हम 110 स्टेप सिखाएंगे, कोई बोलता है हम 200 स्टेप सिखाएंगे, कोई बोलता है 70 स्टेप सिखाएंगे, तो ये काउंट के पीछे मत भागो। स्टेप्स तो आप खुद अपना डेवलप कर लेंगे, आपको तो स्टेप करना है, बट पेशेंट वो कंडीशन में ही नहीं है बराबर, तो आप तो वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट जो सिचुएशन में है, जो पोजिशन में है, वो पोजिशन में आपको मैनिपुलेशन करते आना चाहिए। तो आपको इमेजिन क्या करना है, व्हाट आई वांट टू अचीव इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर मुझे क्या मैनिपुलेशन अचीव करना है, उसके हिसाब से कहाँ पे लीवर बनेगा, कहाँ पे फल्क्रम बनेगा और कहाँ पे मुझे थ्रस्ट अप्लाई करना है, ये लॉजिक हमें अंडरस्टैंड करना है, ओके। एन एन एडोबी के ऊपर वर्क करना है, तो कुछ इसकी स्टेप्स तो फिक्स है, बट कौन सा स्टेप कहाँ यूज करना है, प्रोटोकॉल क्या बनाना है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन कब करना है और इनडायरेक्ट कब करना है। आप जो YouTube पे देखते हो बराबर, वो हार्ड कायरोप्रैक्टिक मोस्टली वहां पे दिखाया जाता है, तो ये फिजिबल है क्या? कोई पेशेंट है वो ऑस्टियोपोरेटिक है, या फिर 65 या 70 अबो एज है, तो उसे हम ये हार्ड कायरोप्रैक्टिक मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? या फिर किसी के स्पाइन में सर्जरी हुआ है, ओके, तो स्पाइन में सीधा हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लेग्स में भी तो काम कर सकते हैं, वहां से भी तो हम सर्वाइकल को मोबिलाइज कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन ही बहुत जरूरी है। ये सबसे सेफ टेक्निक है और ये आपको कहीं पे सिखाई नहीं जाएगी, ये हमारे पूरे जो 5-6 हजार पेशेंट और इतने 12 से भी ज्यादा ट्रेनिंग सेशन हमने कंडक्ट किए हैं, वो उसका निचोड़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि एक्चुअल पेशेंट पे काम कैसे करना है, ओके। बाकी ट्रेनिंग चलती है, मुझे मालूम नहीं कि कितना पेशेंट पे काम होता है, कितने केस स्टडीज उनके पास है, बिकॉज सिर्फ वीडियोस दिखाए जाते हैं, बट एंड ऑफ द अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया है, एंड ऑफ द सेशन, या फिर कितने सेशन पेशेंट ने लिए और पहले क्या था और बाद में पेशेंट का क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक सिटिंग के बाद में तो पेशेंट चल नहीं लगता है, लेकिन 2 दिन बाद पेशेंट वापस कंप्लेन करता है कि वापस वही पेन चालू होगा। क्यों? क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे काम नहीं हुआ है, तब मैनिपुलेशन कर दिया, तब जो है वो उसका नर्व जो है वो फ्री हो गया, पेन का सेंसेशन चला गया, पेन सेंसेशन चला गया तो ऑटोमेटिक मसल को कमांड मिलने लगा और पेशेंट जो है फिर चलने लगा।
लेकिन पेन है तो वही मसल्स उठते नहीं है, चलता नहीं है आदमी, लेकिन 3 दिन बाद वही है क्योंकि मसल के ऊपर काम नहीं किया गया जिन्होंने उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, तो ये भी तो हमें देखना है। सो हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है, इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन टेक्निक्स तो आप सीखेंगे ही, साथ में हमें फेशिया रिलीफ कैसे करना है, कैसे हमें अलग अलग टेक्निक्स है कि हमें लोग मसाज थेरेपिस्ट भी बोल देते हैं, तो मसाज में और फेशिया रिलीज में क्या डिफरेंस है? प्रेशर अप्लाई करके करना है कि डिकम्प्रेशन मसाज भी आप कर सकते हो कप लाइट करके, तो ये भी इसमें है। इसमें सपोर्टिव थेरेपीज और क्या लगती है आपको, जैसे फंक्शनल कपिंग है या फिर काइनेसियोलॉजी टेपिंग है, वो भी हमने इसमें प्रोटोकॉल जो है ऐड किया है। तो मेनली क्या है, हम आपको आ गए आप और सिर्फ हमने स्टेप सिखा दे और जाओ करो, ऐसा नहीं है। आपको आवाज निकालना सीखना है या फिर आपको रिजल्ट डिलीवर करना सीखना है, वो आप डिसाइड करो और फिर आप सोचो कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं। बिकॉज एक बार आपको टेक्निक आ गई ना, तो फिर तो आवाज तो निकाल ही सकते हो, तो इजी है, बराबर। तो होलिस्टिक अप्रोच हमें रखना है और होलिस्टिक ट्रेनिंग ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। सो ये है, ये हमारा प्रीवियस बैच का फोटोग्राफ है। सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग दी ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ PRDF, NIPS, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नेचुरोपैथी। सो इनके कोलेबोरेशन में डिवाइन टच जो है वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। तो आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे और फर्स्ट ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो किसी पैरामेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस में बोन सेटिंग का ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको क्वालिटी टीचिंग स्टाफ भी मिल रहा है या फिर टीचिंग फैकल्टीज भी मिल रहे हैं, और लाइव एक्सपीरियंस आपको जो है पेशेंट का भी, इवन दो उनके सेटअप का भी आपको देखने मिलेगा। उसके बाद में रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीड करना, ये बहुत से जगह पे नहीं सिखाया जाता है, लोगों का कंप्लेंट है। आया हुआ पेशेंट ये सच में मेरा पेशेंट है क्या या फिर मुझे रेफर करना है? जैसे अभी बैच में सीखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, मतलब मेडिकोज भी आते हैं, नॉन मेडिकोज भी आते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है, मेडिकोज को एक ये हो जाता है एक उनका कि सर नॉन मेडिकोज के साथ हम कैसे सीख पाएंगे, अभी उनके लिए आप सिखाएंगे तो फिर हम रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब सब जगह पे ही है, ये कंसेप्ट की बात है, सबको वही सीखना है। कभी कभी मेडिकोज से ज्यादा नॉन मेडिकोज को जजमेंट आ जाता है बराबर से, और वो प्रॉपर सेटिंग कर देता है या फिर क्रैकिंग करता है। तो इसमें क्या है कि हाँ प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं, रेड फ्लैग्स या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम जो बोलते हैं वो मेडिकोज और नॉन मेडिकोज के लिए चेंज हो जाते हैं। तो 100 में से 90 पेशेंट अगर नॉन मेडिकोज लेता है तो मेडिकोज जो है वो 95 पेशेंट कर सकता है, 5 पेशेंट जो है वो नॉन मेडिको को रेफर कर देने हैं, बराबर। कोई फिजियोथेरेपिस्ट बोन सेटिंग करता है उसको वहां पे रेफर कर देने या फिर ऑर्थोपेडिक के पास रेफर करने। तो आपको ये भी समझना है कि कौन सा पेशेंट मुझे लेना है और कौन सा पेशेंट मुझे नहीं लेना है। तो कौन सा नहीं लेना है ना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसे एज अ करियर अगर ले रहे हो तो कौन सा पेशेंट मेरा नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, कंसर्न फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, सिग्नेचर कैसे लेना है पेशेंट का, ओके। तो ये सब भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है। 100 पेशेंट आप ट्रीट करते हो तो भले पेशेंट को रिलीफ या फिर रिजल्ट जल्दी नहीं मिला तो भी चलेगा, बट हमारे हाथ से कोई पेशेंट खराब नहीं होना चाहिए, उसकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है, ठीक है। आवर मिशन टू एम्पावर ट्रेडिशनल हीलिंग एंड एवरी पर्सन कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट। सो हमारा जो मिशन है, जो भी लोग आज के डेट में ट्रेडिशनल हीलिंग में काम कर रहे हैं, कहीं गांव खेड़े में कर रहे हैं या फिर सिटी में काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो आज क्या है, उनके वजह से ही जो है ये ट्रेडिशनल थेरेपीज आज भी हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या फिर वो नॉलेज अभी तक बचा है। तो हमारा मोटो क्या है कि वो लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्या हो रहा है कि बहुत से लोग जनरेशन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो उनके हाथ में वो बैठ गया है कि ऐसा करना है, बट मेडिकली उन्होंने वो समझ नहीं लिया है कि एग्जैक्टली एनाटॉमिकली क्या हो रहा है, क्या मुझे अचीव करना है। तो ये भी जरूरी है, गांव खेड़े में भी लोग जाते हैं ट्रेडिशनल हार्डवेज के पास, वो सेटिंग करा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वहां पे हार्ड कायरोप्रैक्टिक हो गया और फिर कोई डिस्क जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, फिर उसे ऑपरेट करना पड़ता है।
तो ये चीजें जो है ना मैंने देखी है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों से इन्हें ये अवगत कराना जरूरी है कि आपको क्या देखना है। आपको अगर रेडियोलॉजी रिपोर्ट आपके पास आता है तो आपको रीड करते आना चाहिए। सिर्फ ऐसा देख रहे हैं, देखने का एक्टिंग कर रहे हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी ना। तो उसमें क्या वर्ड लिखे हैं, बल्ज है, हर्निएशन है, प्रोट्रूशन है, डेसिकेशन है, ओके, स्टेनोसिस है, तो ये क्या चीजें होती है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। हो ओके, अनम्यूट रखेंगे माइक अपना। निखिल सर अनम्यूट कर देना सर। हु कैन गेट पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप, एवरी पर्सन विद एन इमेंस विल। एक क्वेश्चन आया था चैट में, ठीक है, तो कौन कौन वर्कशॉप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यही है कि जिसकी भी सच्चे दिल से चाहत है कि हाँ मुझे ट्रेडिशनल हीलिंग में काम करना है, एलोपैथी और ऑपरेशन से लोगों को बचाना है और उनको बैक टू नेचर नेचुरली लाना है, वैसी इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रोग्राम है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड स्पेशली जो नॉन मेडिकल्स है, वो डर डर के जो काम करते हैं आज, वो डर आपका जो है ना वो निकल देना है, और वो जो प्रोटेक्शन है या फिर लीगैलिटी है वो आपको प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ही मैंने ये कोर्सेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सो एवरी पर्सन विद एन इमेंस विल टू स्पेंड देयर लाइफ फॉर ट्रेडिशनल हीलिंग कैन जॉइन अस टू अपग्रेड स्किल्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ आर हीलर्स कम्युनिटी। सो हमारे कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन को इसमें बिजनेस ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मेरा शुरुआत जो हुआ, मैं बोलता हूँ मैं एज अ हॉबी या फिर ये टेक्निक सीखनी चाहिए, ये सीखेंगे नहीं तो फिर ये आगे कैसे चलेगी, तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था। बाद में मैं पेशेंट करते गया, फिर उस पर पेशेंट की दुआएं मिलते गई, रिजल्ट अच्छे मिलते गए, फिर मैंने मेरा जो रनिंग बिजनेस था पिछले 9 साल से वो कम्प्लीटली स्टॉप करके फिर मैंने बोला कि नहीं, ये अभी घर घर तक लेके जाना है, और जो ऑलरेडी मेडिकली प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें हमें ये टेक्निक्स जो है सिखाने हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हमें मिलती गई, हमने ट्रेनिंग लिया है और आज बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हमने डिजाइन किया है। 3 दिन में इतना प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर वे में कि चौथे दिन आप सीधा पेशेंट पे काम कर सकते हो, आपको कहीं नहीं मिले, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ही देना, यही सबसे ज्यादा स्किलफुल काम है, ओके। सो नॉन मेडिकल्स विल गेट स्पेशल लेक्चर्स बिफोर वर्कशॉप ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड रेड फ्लैग्स। सो नॉन मेडिकल्स के लिए भी हम, ये तो मेडिकल्स के लिए भी देखना जरूरी है कि एनाटॉमी हमें तो मालूम है तो हमें तो जरूरत नहीं है एनाटॉमी के लेक्चर देखने की, ऐसा है क्या? हमें सिर्फ एनाटॉमी मालूम है, ये यहाँ पे वो यहाँ पे है, लेकिन बोन सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो कोरिलेशन भी जानना जरूरी है कि किसी को नेक में तकलीफ है तो उसका रूट कॉज कहीं जाके फिर किसी पैर के उंगली में निकलता है, बराबर। तो ये भी जानना जरूरी है कि वहां पे अगर हम काम परफेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है अलाइन हो जाता है अगर फेशिया रिलीज करते। बहुत से केस में तो अलाइनमेंट करने की जरूरत देने की जरूरत भी नहीं आती है, सिर्फ मोबिलाइजेशन और मसल रिलीज से ही वो बॉडी जो है ना ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ऑब्जर्व करेंगे किसी के जॉ में प्रॉब्लम होता है, वहां पे रिलीज करने पे नीचे उसका लेग लेंथ मैच हो जाता है। तो ये मैजिक सब आप जब आप देखेंगे तो इसके लिए हमें वो परफेक्ट एनाटॉमी भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सर्टिफिकेशन हम जो दे रहे हैं वो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग बाय BSS। सो BSS क्या है? भारत सेवक समाज इज अ नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश इन 1952 बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो BSS के बारे में आप अवेयर होंगे, नहीं है तो उनके वेबसाइट पे जाके चेक करो, वहाँ पे GR भी डाला है, GR आप रीड कर सकते हो। तो हमने अभी मुझे वो GR दिखाने की जरूरत नहीं लगती है, बिकॉज हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पे सीधा ऑनलाइन वेबिनार ले रहे हैं तो हमने इसके बारे में सोचा ही होगा ना, ठीक। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। आपका थेरेपी सेंटर आपने कहीं पे भी इंडिया में ओपन करके आपको विदाउट हेजिटेशन कोई तकलीफ ना हो इसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसीलिए तो हमने ये डिप्लोमा रजिस्टर करवाया है। सो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एजेंसी से ट्रेडिशनल बोन सेटिंग में डिप्लोमा प्रोवाइड कर रही है। BSS के तो वोकेशनल कोर्सेस बहुत सारे, हजारों कोर्सेस है, कोई ऐसा कोर्स नहीं कि जिसमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा या अवेलेबल नहीं है, और ये सर्टिफिकेशन के थ्रू आज गवर्नमेंट
फील्ड में भी प्लेसमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इवन दो आउट ऑफ इंडिया भी ये कोर्स सर्टिफिकेट वैलिड है फॉर द प्लेसमेंट एंड द प्रैक्टिस। ओके सो अभी तो BSS का लंदन में भी ऑफिस हो गया है, दिल्ली में और चेन्नई में तो है, तो वर्ल्ड स्किल काउंसिल करके भी अभी जो है काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो धीरे धीरे ये ग्लोबली भी हो जाएगा। सो BSS का ये वेबसाइट है, आप देख सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेशन कैसा रहेगा? ये डिप्लोमा तो अभी जस्ट लास्ट मंथ रजिस्टर हुआ है, अभी 2 बैचेस ही हुए डिप्लोमा के। ओके सो सर्टिफिकेशन जो है सेम ऐसा ही रहेगा। डिप्लोमा जब तक सैंक्शन नहीं हो रहा है तब तक हमने क्या किया था, एक जो नेचुरोपैथी जिनका हुआ है डिप्लोमा या फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा हुआ है या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनके लिए हमने एक 6 मंथ ड्यूरेशन सर्टिफिकेशन कोर्स, तब तक हमने ये जुगाड़ आप बोल सकते हो कि हम इसका सर्टिफिकेशन दे रहे थे, क्योंकि हमें स्पाइन पे काम करना था ना, तो सर्टिफिकेशन इन स्पाइनल मैनिपुलेशन बाय नेचुरोपैथी, तो इसमें डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी होना जरूरी कंपलसरी था। और अभी जो है डिप्लोमा जैसे ही अप्रूव हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो अभी हम सेम ऐसा ही सर्टिफिकेट आपका रहेगा, जहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये BSS के वेबसाइट पे डालने के बाद आपकी मार्कशीट्स भी वहाँ पे दिख जाएंगी, सब चीजें आपको वहाँ पे मिलेगी। तो इन केस कोई आता है चेक करने के लिए भी कि आप क्या सर्टिफिकेशन है आपका, आप लाइव उसे वहाँ पे BSS के साइट पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दिखा सकते हो, और BSS का GR भी आप उनको दिखा सकते हो, जिससे उनकी जो है जो भी क्वेरीज है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाकी हमारी टीम आपके साथ है, कॉलेज आपके साथ है, कॉलेज की लीगल बॉडी भी आपके साथ है गाइडेंस करने के लिए, तो ये सब आपको सपोर्ट कॉलेज से मिलेगी। ठीक है, सो इसमें ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का मेंशन रहेगा। अभी 1 ईयर का है तो आपको सर्टिफिकेट 1 ईयर के बाद मिलेगा क्या? ओके सो 1 ईयर के बाद जरूरी नहीं है, आज के डेट में जो वर्किंग प्रोफेशनल है उन्हें एक सिक्योरिटी और प्रॉपर स्किल या फिर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम ये काम करें। तो इससे हमने क्या किया, एक फास्ट ट्रैक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें अराउंड 50 आवर्स का जो टीचिंग है वो हम कवर कर रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस एंड द प्रैक्टिकल, 3 डेज प्रैक्टिकल सेशन। डेली डेली अराउंड 10 आवर्स वी विल गोइंग टू टू द प्रैक्टिस, एंड बिफोर द प्रैक्टिस एवरी थेरी, और जो भी थेरी है हम वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको देने ही वाले, लेकिन फर्स्ट डे हम वही पहले 4 घंटे रिवाइज भी करने वाले, और जैसे हम प्रैक्टिस करते साथ में ही हम अगेन एनाटॉमी रिवाइज करते करते आगे बढ़ते हैं। ओके सो विद द डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड द नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नेचुरोपैथी आर द ओनली हु आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वोकेशनल कोर्स सर्टिफिकेशन फॉर बोन सेटिंग एंड स्पाइनल मैनिपुलेशन थेरेपी एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड अ लीगल प्लेटफॉर्म फॉर आर स्टूडेंट्स सो ही शी कैन प्रैक्टिस थेरेपी एनी वेयर इन इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया विदाउट एनी हेजिटेशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहेगा, सर 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स आप 3 डेज वर्कशॉप में कैसे कवर कर रहे हो? सो इट्स एक्चुअली 50 आवर्स ऑफ टोटल टीचिंग प्रोसेस, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड सेशंस वंस यू हैव रजिस्टर्ड। जैसे आप रजिस्टर करते हो आपको रिकॉर्डेड सेशंस जो है हमारे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी के साथ आपको देख के आने हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 15 डेज पहले तो भी सब रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है ये सब देख के, मतलब जो आप सीखने वाले हो वही 3 दिन का वर्कशॉप अगर आपको घर बैठे देखने मिला है और आप वो एक दो बार देख के आपके डाउट्स क्वेरी नोट डाउन करके फिर आप अगर वहां पे आ रहे हो ना, तो और बढ़िया से आप 3 दिन में उसको ग्रैप कर सकते हो। ठीक है, सो एटलीस्ट 5 दिन पहले तो भी आपके पास ये डेटा होता है तो फिर आप ये सब देख के आ सकते हो। अभी इसमें कुछ लोग है ना दिल्ली से कनेक्ट है, कुछ कहीं से कनेक्ट है, कुछ साउथ से कनेक्ट है, तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता होगा, सर तो बोल रहे आना है आना है, कहाँ पे आना है? तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना नासिक में, वो वहां से हमारे सेंटर से सिर्फ 8 किलोमीटर है, तो वहीं पे आपको आना है, हाईवे पे ही सेंटर है। तो कैसे आएंगे? आने के लिए तो जैसे आने आ सकते हो, लेकिन इतना दूर तो मैं नहीं आऊंगा। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से, हम भी सीखे हैं ना, तो जाना पड़ता है, जहाँ पे क्वालिटी है वहां पे जाना पड़ता है। तो डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आपको लेना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। इसमें भले कोई बोलता है मेरा तो ओपीडी सर जाएगा 4 दिन का, अरे ओपीडी 4 दिन का जाएगा, ओपीडी से अगर इतना आ रहा है ना, तो आप ऐसे एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट के लिए वेबिनार ही नहीं अटेंड करेंगे?
बराबर, तो 4 दिन का 5 दिन का ओपीडी जाने दो, लेकिन कोई स्किल ग्रैब करके जाएंगे ना तो वही ओपीडी को आप 4 गुना कर देंगे महीने में, और इवन एक्स्ट्रा स्किल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी आप ले पाएंगे लोगों से, ठीक है? सो स्किल के ऊपर ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो करने वाला। ओके, सो इसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स भी कवर करेंगे, आपने तो स्लाइड पढ़ा ही होगा, लेक्चर ऑन कंसेप्ट ऑफ कायरोथेरेपी एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, रिकॉर्डिंग ऑफ 10 आवर्स ऑफ टीचिंग। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्चर एनालिसिस हम सिखाते हैं, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, ओपनली अवेलेबल है एवरीवन, सबके लिए, क्योंकि ये भले आप ट्रेनिंग में नहीं आते हो बट किसी भी व्यक्ति ने पोस्चर एनालिसिस जान लेना बहुत जरूरी है पेशेंट जब आता है। ओके, सो रूट कॉज आइडेंटिफाई करके आप प्रैक्टिस करो, भले आप ट्रेनिंग लो या ना लो हमसे, लेकिन रूट कॉज आइडेंटिफाई करना सीखो। तो ये पोस्चर एनालिसिस का और एक फायदा कैसा है बिजनेस परस्पेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम है सब, आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया बट पेशेंट को, पेशेंट के मन में पहले से ही चल रहा है, देखते हैं रिजल्ट आता है क्या, उसके मन में अगर डाउट है ना तो फिर साइकोलॉजिकली इफेक्ट रहता है, वो रिजल्ट आ भी रहा है ना तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहे, बराबर? सो बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है। तो इसमें क्या है, पोस्चर एनालिसिस में जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, वो अगर 20 स्टेप भी चल के आता है या फिर इनिशियली आप इतना नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ आपको प्रोटोकॉल्स बोलेंगे तो उतना आप पेशेंट से करवा लेंगे, हाथ ऊपर को ये करो वो करो, तो उसे आप पेशेंट को देखते ही बोल देंगे, सर आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये साइड में दर्द हो रहा है, तो ये सुन के ही पेशेंट को लगता है अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं डॉक्टर साहब को, लेकिन इन्हें तो पता चल गया। तो भले आप डॉक्टर नहीं हो, मैं डॉक्टर साहब निकल गया है मेरे मुंह से, आप थेरेपिस्ट हो, लेकिन उसके लिए तो आप ही डॉक्टर हो ना जो उसको ठीक करने वाला है, उसे फिर कॉन्फिडेंस वही पे आ जाता है कि ही इज द ओनली एग्जैक्ट पर्सन जो मुझे ठीक कर सकता है बिकॉज इसे मेरे बीमारी का पता चल गया है। तो ये बहुत जरूरी होता है, फिर वहां से आपका काम बहुत इजी हो जाता है, फिर उसका बॉडी भी आपको रिस्पॉन्स करने लगता है, जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आता है तो वो बॉडी रिलैक्स रखने लगता है जब आप थेरेपी करते हो, और जितना बॉडी पेशेंट रिलैक्स रखेगा उतना रिजल्ट और अच्छा मिलता है, और अच्छे से मैनिपुलेशन या फिर रिलीज हमें मसल का मिलता है, ठीक है? सो इजी सेटिंग एंड क्रूशियल जॉइंट्स के टेक्निक्स पे आपको ऑलरेडी पहले ही मिलने वाले हैं सब वीडियो, कोई जो मतलब लर्निंग जो है आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सो रिपोर्ट रीडिंग भी हम सिखाते हैं, रेड फ्लैग्स और एक्सरसाइजेस भी हम एंड में सिखाते हैं, बिकॉज पेशेंट को एक्सरसाइजेस अगर पेशेंट प्रॉपर घर पे जाके करता है तो उसे दूसरे सिटिंग के लिए भी आने की जरूरत नहीं होती। सो जैसे अभी हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया से पेशेंट आते हैं, अभी वो हर हफ्ते या फिर हर 3 दिन में आ सकते हैं सिटिंग के लिए, लेकिन हम एक ही सिटिंग में उसका 12 साल का प्रॉब्लम जो है ना वो उससे चैलेंज देते हैं कि एक ही सिटिंग में, एक सिटिंग ऑफ फुल बॉडी बोन सेटिंग एंड फुल बॉडी मायोफेशियल रिलीज, ऐसा 2 सिटिंग उसे लेना पड़ता है। ओके, उसके बीच में हम कम से कम 3-4 घंटे का गैप रख के दूसरा सिटिंग देते हैं, या फिर अदरवाइज एक दिन रुकते हैं पेशेंट यहाँ पे, रुकने का भी इंतजाम, किसी को लगता है वो 5 दिन भी रुक जाते हैं, बट एक सिटिंग में ही हम उसे क्या करते हैं कि मायोफेशिया रिलीज किया, फुल बॉडी बोन सेटिंग किया, और फिर उसे एक्सरसाइज हम सिखा देते हैं उसके और उसके साथ जो आए हैं, एक्सरसाइज कैसे लेना है, और अगर वो पेशेंट घर पे जाके प्रॉपर वो तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है ना तो उसका रूट कॉज जो है वही पे ठीक हो जाता है, वापिस आने की जरूरत भी नहीं रहती। और ऐसे वीडियोज भी मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे कई एग्जाम्पल, कि 300-300 किलोमीटर से पेशेंट आए हैं और दूसरी बार जब आए हैं तो हमें लगा कि वो अगेन ट्रीटमेंट के लिए आ रहे, लेकिन वो ये बताने के लिए आए कि सर महीना भर मैंने सब ट्राई किया कि अभी दर्द होगा तभी दर्द होगा, लेकिन मुझे कुछ दर्द ही नहीं हुआ, एक सिटिंग में ठीक हो गया मेरा 12 साल का प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज वो पेशेंट ने घर पे जाके प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो भी उसे बताया वो मेंटेन किया है, और बाकी कंसल्टेशन हमारा रहता ही है, तो ये भी ऑन कॉल वीडियो कंसल्टेशन पे भी बहुत पेशेंट हमारे होते हैं, ठीक है? सो हमारे स्टूडेंट्स को भी हम वो सपोर्ट देते हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है आपको लग रहा है कि डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देना है फर्स्ट सिटिंग में वो तो आपको मालूम है, उतना देके जाने दो पेशेंट को, फिर केस जो है हमारे पास भेज दो, रिपोर्ट भेज दो, हम प्रोटोकॉल बताएंगे, अगली बार पेशेंट आएगा तो प्रोटोकॉल फॉलो करो, अदरवाइज आप वीडियो भेज सकते हो। सो ये सब चीजें है। 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप आपका रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप ही इम्पोर्टेंट है, इसी में आपका जो है पूरा लर्निंग जो है वो कंप्लीट होगा। सो ये 10 आवर्स डेली हमारा टारगेट रहता है, ठीक है? सो इसमें हम बहुत सारे सेशंस कवर करते हैं, एकदम प्रॉपरली वेल मैनेज्ड टाइमली मैनेज्ड अपना सेशन होता है।
सो प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस केसेस। अभी इसमें हम क्या करते हैं कि चलो 3 दिन में आपको लगेगा सर 3 दिन में कैसे हो जाएगा, चौथे दिन मेरे से होगा क्या, ये तो इतना रिस्की है। ये जजमेंट का बात है, हमें सामने क्यों बुलाना पड़ता है, हर किसी का हाथ उतना सॉफ्ट नहीं रहता है या हर किसी को उतना जजमेंट नहीं रहता। तो ये बंदा कैसे कर रहा है, क्या है इसका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या है, ये सामने से देखा जाता है, उसे गाइड किया जाता है वन। और जैसे उसको फिर एक दो बार उसके हाथ से प्रॉपर सेटिंग हो जाता है, उसे तो टेक्निक आ जाती है कि कितना जर्क रखना है, क्या है सब चीज। ओके, तो फिर बाद में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए घर पे जाने के बाद तो वैनिश हो जाएगा धीरे धीरे, वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे सब स्टेप के, लेकिन हम आपको प्रोटोकॉल ही बना के देते हैं रेडी कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आए तो आपको प्रोटोकॉल क्या रहेगा। तो पहले आए तो पोस्चर एनालिसिस में आपको कैसे पता चलेगा फ्रोजन शोल्डर है, फिर फ्रोजन शोल्डर में भी कौन सा रेंज ब्लॉक है, मतलब कौन से मसल पे हमें काम करना है, तो पहले उसका फेशिया रिलीज करना है आपको। फेशिया रिलीज करने के बाद में आपको मैनिपुलेशन करना है कि नहीं करना है, कौन से स्टेप करने और कौन से नहीं करने हैं फ्रोजन शोल्डर में, वो भी आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसके बाद में उसे एक्सरसाइज क्या देना है, अगर फंक्शनल कपिंग देना है तो कैसे देना है, और फिर एंड में एक्सरसाइज। तो ये प्रोटोकॉल ही अगर आपके पास है तो आपको पता है आपके पास फ्रोजन शोल्डर का प्रोटोकॉल है, साइटिका का है, नी प्रॉब्लम का है, कैल्केलियम स्पर का है, जैसे एडी की हड्डी जो है दर्द कर रही है, या ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये प्रोटोकॉल आपको दिए जाते हैं जिससे आपको क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कि वो पेशेंट अगर आता है तो उतना 15 मिनट का वो वीडियो देख लिया तो आप एग्जैक्टली सेम पेशेंट के ऊपर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, क्लियरिटी आपको मिलता है धीरे धीरे, फिर प्रैक्टिस करते करते वो बैठ जाता है दिमाग में। तो ये सब चीजें जो है ना वो हमने फेस किए हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने चाहिए ना, इसीलिए इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है और हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग मटेरियल हमने बना के रखा है। ठीक है, सो आज के डेट में 12 से भी ज्यादा बैचेस ले चुके हैं, 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं, मेडिकल्स नॉन मेडिकल्स को। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है, आपको किस प्रकार से ट्रेन करना है ये हमें मालूम है, आप सिर्फ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स, और किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे प्रैक्टिस करना है, तो हमारे कॉलेज में या फिर मेरे ओपीडी पे आप ट्रेनिंग के बाद में भी 2 दिन रह के पेशेंट पे काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड किया है। लेकिन आपको ये 3rd डे का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ये सोचना है कि मुझे रुकना है कि नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ 100% किसी को जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपके बैच में ही इतने पेशेंट रहते हैं उनपे काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए एक दूसरे के ऊपर, या फिर लाइव पेशेंट देखते हुए आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर आई कैन डू। ओके, सो वेरियस केस स्टडीज के लिए काइनेसियो टेपिंग जो कंसेप्ट है ना वो भी हम कवर करने वाले हैं। वो क्यों जरूरी है, बहुत सब जगह पे आप स्टार्टिंग में ही मैनिपुलेशन नहीं दे सकते, या किसी किसी के मसल्स बहुत वीक होते हैं, तो फिर उसे रिकवरी के लिए या फिर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम टेपिंग करना भी जरूरी होता है, स्पेशली नी के पेशेंट में। ओके, सो ये सब प्रोटोकॉल भी हम टेपिंग के जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करते हैं। इन डिटेल में किसी को इसमें से टॉपिक सीखना है तो वो एक्सपर्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में उसका जानकारी हम वहाँ पे देंगे, लेकिन इन डिटेल में नहीं जाना है आज। पहले होलिस्टिक हीलिंग देने का जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट नॉलेज लेके हमें काम चालू करना है, रिजल्ट डिलीवर करना स्टार्ट करना, फिर उसके बाद में एक ऑनलाइन एग्जाम भी आपका स्मॉल कंडक्ट करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, वो वर्कशॉप के 15 डेज के बाद होता है बराबर, क्योंकि तब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे घर से, आपको आपको मेंटर जो दिए है वो डिमांड भी करते हैं कि चलो लंबर रोल टेक्निक है ना इसका वीडियो बना के भेजो, तो आपको तो भेजना पड़ेगा ना वो वीडियो, फिर वो हम देखेंगे सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो गाइड करेंगे आपको। हमारे वीकली या अल्टरनेट वीकली हमारे ऑनलाइन सेशन भी होते हैं 2 2 घंटे के, जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ वीडियोज हम शेयर करते हैं, जो क्वेरीज आए हैं उसके लिए हमारे पास केस स्टडीज के वीडियोज भी हम बनाते हैं, या वो स्टेप्स के वीडियो आपको क्लियर नहीं है तो फिर उसका अगेन वीडियो बना के आपको दिखाते, या जरूर है तो लाइव भी करके बताते। तो ये सब लर्निंग प्रोसेस जो है ना ये हमेशा चलते रहता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जो है आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। अलॉटमेंट ऑफ बीएसएस सर्टिफिकेशन टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ एवरी कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ऑल अबव सेशन। सो आपका बीएसएस सर्टिफिकेशन तुरंत 3 दिन के बाद मिल जाएगा क्या आपको, नहीं, 3 दिन के बाद आपको वर्कशॉप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉलेज का, ये एक सर्टिफिकेट रहेगा, और डिप्लोमा का जो है वो आपको 15 डेज तक आपको प्रैक्टिस करना है, वो सब देखना है, फिर एक स्मॉल एग्जाम आपको देना है, वो सबमिट करना है, ठीक है, और फिर उसमें रॉन्ग भी हो जाता है तो डरना नहीं है, रॉन्ग भी हो गया ठीक है अगेन आपको चांस मिलता है, लेकिन वो स्टडी करना है आपको कि क्या रॉन्ग हुआ,
ठीक है। सो ये डिस्कस करना है मेंटर से, तो इस प्रकार से फिर आपको विद इन 3 मंथ जो है 1 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन अलॉट कर देते हैं। ठीक है। सो आपके ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है, और हार्ड कॉपी जो है थ्रू कुरियर आपके घर पे और अगले एक आध महीने में जो है वो आ जाता है। इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना, वो तो आप बीएसएस के साइट से भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। सो द वे वी आर कवरिंग अ होल कोर्स ऑफ अराउंड 50 आवर्स ऑफ टीचिंग एंड एक्स्ट्रा 20 आवर सेशन ऑन डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। ठीक है, ये पार्ट जो है ना ये अभी इसमें नहीं हमने रखा है, बिकॉज ओनली मेडिकोज जैसे मैडम फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो यही लोग जो है ना डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर मैनेजमेंट के वर्कशॉप को जो है हम उनके लिए ही अरेंज करते हैं, बाकी नॉन मेडिकल्स को इसमें जाना नहीं। और मैं बोलता हूँ उन्हें भी नहीं जाना है, ऑर्थोपेडिक को भी तो कुछ कमाने दो, सब हम ही खाएंगे तो कैसे चलेगा, कहीं कहीं पे वो भी तो जरूरी है ना। ठीक है। सो डिसलोकेशन फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको रेफर कर देना है सीधा। सपोर्ट सिस्टम, ओके, गेट एक्सेस टू आवर कॉमन सपोर्ट ग्रुप ऑफ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जो है डेली बेसिस पे डाउट्स क्वेरी सॉल्व और अपडेट्स दिए जाएंगे, रिपोर्ट्स आपके पेशेंट के आते हैं, आपको रीड करने में तकलीफ है, केस समझ में नहीं आ रहा है, आपको शेयर करना है, आपको गाइड किया जाएगा। ओके। और टेलीग्राम पे जो है वो चैनल पे पूरा ट्रेनिंग मटेरियल रहेगा, वहाँ पे चैट वगैरह करने की सुविधा नहीं रहेगी, बिकॉज चैटिंग करते हैं तो फिर ट्रेनिंग मटेरियल पूरा ऊपर चला जाता है, तो ये ट्रेनिंग मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल रहेगा आपका। तो गेट पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टीज, ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे। सपोर्ट ऑन लाइव वीडियो कॉल, जैसे कोई पेशेंट आता है आप मेंटर को लाइव वीडियो कॉल कर लो, नहीं समझ में आ रहा है दिखा दो उनको वीडियो पे, देखो सर ये पेशेंट का अलग, ठीक है, या फिर वीडियो बना के भेजो। गेट ऑल ट्रेनिंग वीडियोज एंड पीडीएफ एज ए ट्रेनिंग मटेरियल। अभी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के डेट में सिखाते तो है लेकिन वीडियो नहीं बनाने देते, और आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बनाने में ध्यान देंगे कि लर्निंग पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आपको वीडियो नहीं बनाना है, हमारा एक डेडिकेटेड पर्सन रहता है जो ट्रेनर के साथ में कोलैबोरेट करके ईच एंड एवरी स्टेप्स और प्रोटोकॉल के वीडियो बनाता है, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको इवन आफ्टर एंड ऑफ द डे ही आपको वो वीडियोस जो है ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, जिससे आप आफ्टर ट्रेनिंग भी आपका जो ग्रुप बनाया है आपको बेड्स दिए हैं आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में फिर चैनल पे तो वो अपलोड किए ही जाते हैं, फिर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत से एडवांस स्टडी करने के लिए बहुत सारा अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी वो ग्रुप में शेयर्ड है, तो जिसका जिसा जैसा इंटरेस्ट बनता है आपको लर्न करते जाना है, सीखते जाना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेंटर से डिस्कस भी करते जाना है। सो लर्निंग विल नेवर स्टॉप। ओके। बट जो एक्टिव थेरेपी है वो पूरा 3 दिन में हम कवर करेंगे। तो गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन आर हेल्थ कैंप्स, तो हम अलग अलग डेट पे ऑकेजन पे हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, सोशल वर्क भी बहुत होता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको आपका ओपीडी बूस्ट करना है स्टार्ट करना है तो वहाँ पे हम कम से कम खर्चे में या 1 रुपया भी खर्चा न करके कैसे मार्केटिंग करके हम वहाँ पे कैंप लगा सकते हैं वो भी हम आपको गाइड करते हैं। आप कैंप लगाते हो तो वहाँ पे मेरे ओपीडी से मैं एक्सपर्ट भी भेजता हूँ या फिर आपके मेंटर्स आते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे आपका एक हेल्थ कैंप अगर 100 लोगों का हो जाता है तो फिर आपके फॉलोअप के लिए तो आपके पास ही आने वाले हैं ना, तो आपका वहाँ से जो है ओपीडी बूस्ट हो जाता है, तो ये लेवल का सपोर्ट भी हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, बिकॉज हमारा एक मोटो है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिशनर हमें डेवलप करने हैं, ना कि सिर्फ बहुत सारा क्वांटिटी एडमिट करके ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके बस पैसा कमा लो, तो ऐसा है तो फिर मैंने तो है ना 90,000 रुपीज फीस का भी 5 दिन का 90,000 ऐसा भी ट्रेनिंग लिया है, 40,000 भी लिया है, 50,000 भी लिया है, 35,000 लिया है। ओके। सो दो दो दिन का, लेकिन अभी कॉलेज के साथ जब से जुड़े हैं तब मुझे ये पॉसिबल हुआ है कि मैं ट्रेनिंग फीस को बहुत कम कर सका हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज पहले फैकल्टीज वगैरह पे बहुत पैसा खर्चा होता था हमारा, वेन्यूज जगह होटल बुक करना, अभी कॉलेज के प्रीमाइसेस हमें मिला है उसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी दे पा रहे हैं, वही पे हम ट्रेनिंग का वीडियो सपोर्ट भी है, कॉलेज की फैकल्टी ही इतने एक्सपर्ट फैकल्टी हमें मिले हैं जो टीचिंग में ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो हमें सिखा रहे हैं, डॉक्टर फैकल्टी भी हमें मिल रही है, और वो सब तो खर्चा बच रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि आपका
ट्रेनिंग कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो गया है। ओके टॉपिक्स वी आर कवरिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर कायरोथेरेपी, फुल बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक विथ नेम्स एंड वीडियो, ईच एंड एवरी टेक्निक का नेम और वीडियो भी आपको दिया जाएगा। हम पूरा प्रॉपर वे से स्टार्ट करेंगे, लोअर लिम अपर लिम, ओके स्पाइन, ये तरीके से स्पाइन पाल्पेशन आपको सिखाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके हाथ से समझना चाहिए कि स्पाइन का एनाटॉमी कहाँ पे बिगड़ा है, स्पाइनस प्रोसेस क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, वो कैसे हमारे थंब को या फिर हैंड को हम फील कर सकते हैं, वो कौन से डायरेक्शन में रोटेटेड है, तो फिर हमें क्या अचीव करना है, तो हमें जर्क कहाँ से देना पड़ेगा, तो ये सब चीजें हम उसमें कवर करते हैं। पोस्चर एनालिसिस, बॉडी रीडिंग मैंने बोल दिया है, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक कवर करते हैं, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स लेते हैं, रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीड करना सिखाते हैं, अलग अलग टूल आते हैं। वैसे तो कायरो मतलब बोन सेटिंग आपको मैनुअल थेरेपी हाथ से ही करना है, लेकिन कोई टूल आते हैं या फिर गन मसाजर आता है, उसका भी हम यूज करके अच्छे से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक मैनिपुलेशन किसी वर्टिब्रा का करना है तो वुडन टूल के मदद से आप कर सकते हो। वो टूल जो है प्रिसाइज टूल जो है हम डिजाइन और मैन्युफैक्चर भी करवा लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको यहाँ पे परचेस करने के लिए भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तो जो सब चीजें है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है, जानना जरूरी है। इंट्रोडक्शन टू सपोर्टिव थेरेपीज, सपोर्टिव थेरेपीज जैसे सुजोग है, कपिंग है, उसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं पेन मैनेजमेंट के। जब पेशेंट आपके पास आता है और वो बहुत सीवियर पेन में है तो आपको वो हाथ भी नहीं लगाने देता, तो ये केस में क्या करेंगे, पहले उसका पेन मैनेज करना पड़ेगा ना, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। फिर काइनेसियोलॉजी टेपिंग है ही, नी एंकल एंड शोल्डर और लंबर, ये चार चीज़ों पे फोकस होता है। सेटअप ऑफ थेरेपी सेंटर, थेरेपी सेंटर कैसे सेटअप करना है, कम से कम जगह में या फिर कम से कम खर्चे में स्मार्ट सेटअप कैसे लगाना है, स्टाफ अगर अपॉइंट करते हो तो इनिशियली कितने करने हैं, उन्हें इंसेंटिव बेसिस पे रखना है, सैलरी बेसिस पे रखना है कि क्या है, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, सो ये एक्सपीरियंस का आपको बहुत फायदा होगा। बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये भी हम कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आज स्किलफुल बंदों की कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे तो बैठे हैं ऐसे ही, और जो मेहनती या फिर जिसके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, भले स्किल कम है लेकिन बिजनेस उसके पास है, तो हमें क्या है, स्किल और मार्केटिंग दोनों पे काम करना है। ओके ब्रांडिंग पे काम करना है, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे सिखाया जाएगा, थोड़ा गाइड किया जाएगा। और उसी के साथ में अगर आप पंचगव्य औषधि वगैरह भी पेशेंट को दे सकते हो, क्योंकि आपके पास पेशेंट आता है बोन सेटिंग के लिए, लेकिन उसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या फिर यूरिक एसिड बढ़ा है, या वात जो है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो वो केस में हम क्या कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए भी अगर मसल स्पैजम आता है, जैसे मसल रिलीज किया तो 1-2 दिन के लिए तकलीफ होती है, लेकिन तब भी जो है हम उसके लिए क्या दे सकते हैं, अर्क वगैरह, तो हम वो भी ऑप्शन आपको देते हैं। जो हमारे ओपीडी में जितना कुछ हम करते हैं ना, वो सब आपको हम बताते हैं, देन चॉइस इज योर्स। ओके तो स्पेशल गेस्ट लेक्चर हम रखते हैं उसके लिए, पंचगव्य मेडिसिन एंड पल्स एनालिसिस, नाड़ी परीक्षण के ऊपर भी हम रखते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पता चलता है। टीचिंग फैकल्टीज में हमारे जो मेंटर है, जिनके थ्रू ये सब हम नॉलेज हमने लिया है, पहले तो बस अंधेरे में तीर चला देते, लेकिन स्पेसिफिक काम करना, और जो ये जो मैं वर्ड बोला ना अंधेरे में तीर चला देते, मैं बोलता हूँ मेडिकोज भी है ना, तो भी वही कर रहे आज के डेट में, जो बोन सेटिंग कर रहे, आया पेशेंट तो पूरा कर दे रहे उसको बराबर, उसके नेक में तकलीफ है तो भी नी भी मैनिपुलेट कर रहे, अभी वो जरूरी है करना चाहिए लेकिन पता नहीं चल रहा है, चलो यार सब स्टेप कर देते हैं, कहीं ना कहीं पे तो तुक्का लग जाएगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा, तो ये काम करना है क्या। ऐसा करेंगे तो फिर कितना पेशेंट करेंगे आप दिन में, एक एक पेशेंट को अगर एक एक घंटा लगाएंगे तो कमाएंगे क्या और ट्रीटमेंट क्या देंगे बराबर। तो दिन में अगर 50 पेशेंट करने हैं, जैसे अभी रजत सर जो हमारे मेंटर है, बहुत सारा गाइडेंस उन्होंने हमें किया है ये सब इसमें, तो उनका प्रैक्टिस जब हमने देखा, दिन में 80-100 पेशेंट करते हैं बंदा, कैसे करते हैं मेरा। तो ये इसमें क्या है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो जब हेल्थ कैंप आप लेते हैं, आप आधा आधा घंटा एक एक पेशेंट को नहीं दे सकते, लेकिन 5 मिनट में आपको उसको पेन मैनेजमेंट, पेन रिलीफ देना है, रूट कॉज पे काम करना है, कैसे कर पाएंगे।
ये जो है ना, ये सीखना जरूरी है। सुनील सर है हमारी फैकल्टी, ये पैरामेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD है। ये खुद आपका एनाटॉमी का लेक्चर जो है वो कंडक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया से कंडक्ट करते हैं। आज के डेट में सबसे बेस्ट फैकल्टी मैंने देखी है जो एनाटॉमी इतना अच्छे से लेती है। बिकॉज मेडिकोज को तो एनाटॉमी बताना बहुत ईजी है, लेकिन नॉन मेडिकोज के दिमाग में इजीली वो एनाटॉमी बिठाना, ये जो स्किल सर के पास है, क्यों? बिकॉज उनका काम ही है कि जो नॉन मेडिकोज एडमिशन लेते हैं रेडियोलॉजी कोर्स के लिए, BSc रेडियोलॉजी के लिए 3 साल के लिए, उनके दिमाग में ये बिठाना, यही तो है। लेकिन वो भी इतने कम समय में, 3 से 4 घंटे में आपके दिमाग में बिठाना, बहुत बढ़िया स्किल सर के पास है। और सर ओपनली उनका नॉलेज, उनके PDFs और PPTs जो है हमें शेयर करते हैं, ठीक है। मिस्टर घनश्याम वारगड़े डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी हुआ है सर का, और डिवाइन टच हीलिंग सेंटर के को डायरेक्टर है। आज के डेट में मेरे नासिक के दोनों सेंटर सर खुद हैंडल करते हैं, ठीक है। मिस्टर वेदांत परब, जैसे मैंने नाम बोला, मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी मुंबई के पेशेंट है हम उन्हीं को रेफर करते हैं, और ये भी ईच एंड एवरी ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एज अ मेंटर उनका 3 4 दिन का OPD छोड़ के आपके लिए आते हैं। तो इतना एफर्ट अगर कोई ले रहा है ना, वो सच्चे दिल से, जिनकी चाह है कि अच्छा काम सोसाइटी में डिलीवर करना है, वही करते हैं। क्योंकि बहुत सारा बिजनेस इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उतना तो हम दे भी नहीं पाते होंगे, लेकिन सिर्फ सर बुला रहे हैं इसीलिए वो आते हैं। और आगे जाके यही जो है ना, आपके आगे जाके नहीं, अभी आप ट्रेनिंग में आएंगे तो यही मेन रोल लीड करेंगे, वहाँ पे आपको जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी है। बाद में मैं तो हुई, ठीक है। सो मेरा क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, अभी इसमें नहीं लिखा है, बट मेरा BE बायोमेडिकल हुआ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेरा हुआ है, बट मैंने जॉब नहीं किया। 9 साल मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया है 2011 के बाद। उसके बाद में मुझे ही फिजिकली चैलेंजेस आने लगे बहुत सारे, बहुत कम उम्र में, क्योंकि मैं सेमिनार्स भी कंडक्ट कर रहा था ऑल ओवर अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गुजरात के सिटीज में, खुद ड्राइव करता था हजार हजार किलोमीटर, दो दो दिन में रिटर्न जर्नी होता था मेरा, और फिर 8 8 घंटे वहाँ पे खड़ा रह के ट्रेनिंग्स और वेबिनार भी देना है। तो इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, नी प्रॉब्लम हो गया, एंकल प्रॉब्लम हो गया, फिर कोरोना के बाद में तो फिर वो हिप जॉइंट भी प्रॉब्लम देने लगा, बोले इतने कम उम्र में ये हो गया। तो फिर मैं खुद जो है ना बोन सेटिंग से ठीक हूँ, क्योंकि मेडिकल फील्ड से था तो वो सब साइड इफेक्ट्स वगैरह मालूम थे, और मेरे माँ को भी प्रॉब्लम था, तो हमने है ना बोन सेटिंग से किया। पहले एक ऐसे ट्रेडिशनल सेंटर में गया था, लेकिन वो रिस्की लगा फिर मुझे, बोला कि अच्छा है लेकिन रिस्की है। फिर रजत जी के बारे में सुना, और जब मैं इंदौर गया तब एक ही सिटिंग में जो है मेरा 8 9 साल का पूरा जो तकलीफ था वो सर ने क्लियर कर दिया, तो इट वाज मैजिक। और फिर सर को रिक्वेस्ट किया, सर जरा नॉन मेडिकल्स को आप हम करते हैं प्लान, उनको थोड़ा गाइडेंस करो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम गाइडेंस नहीं करेंगे वो तो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने पेशेंट बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हम कुछ तो भी डिजाइन करते हैं। तो बस यही उद्देश्य हमारा था, इससे हम काम कर रहे थे। लेकिन है बहुत से लोगों को जचता नहीं है, तो सर को कॉल आने लगे दिल्ली से, सब काउंसिल से वगैरह, आप कैसे ट्रेनिंग लेते हो? तो हम तो भाई ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे ना, हम तो गाइड कर रहे थे, सिर्फ रेड फ्लैग्स बता रहे थे लोगों को, ठीक है। सो वो जो है वो पूरा लेके से हैंडओवर हो गया। अभी 3 साल से हम सर के बताए हुए राह पे ही काम कर रहे, ट्रेनिंग्स ले रहे, तो भी बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप एंड करियर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपको यहाँ पे, ओके। तो ये सब चीजें आपको बहुत बढ़िया मिल रही है, इसके अगेंस्ट में 2 लाख रुपया भी चार्ज करता हूँ ना डिप्लोमा का, 1 साल का, तो भी लोग देंगे, मुझे मालूम है कि ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो हम इंटर्नशिप और करियर के ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलते हैं, या फिर आप 3 महीना अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, आप रिजल्ट दे रहे हो, आपके टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हो, तो हम उसमें से चॉइस करते हैं कि किसे फ्रेंचाइजी देना है, तो आपको हम डिवाइन टच का फ्रेंचाइजी भी ऑफर करते हैं, ओके। अभी रिसेंटली पटना में फ्रेंचाइजी प्लान हुआ है, पटना के एकदम पूर एरिया में, पॉश एरिया में अभी अपना फ्रेंचाइजी वो स्टार्ट हो रहा है, और घनश्याम सर जाके ऑलरेडी एक कैंप वहाँ पे लेके भी आए, अभी वहाँ के लोग वेट कर रहे हैं कि वापिस वो सर कब आए। ये सब चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट डेट एंड वेन्यू ऑफ वर्कशॉप,
अभी जो अपकमिंग वर्कशॉप है वो 3 से 5 नवंबर है। एवरी मंथ एक बैच रखने का हम ट्राई करते हैं, या फिर एटलीस्ट एवरी 1.5 मंथ में तो भी एटलीस्ट एक बैच होता है, बट अभी जो डेट है वो आपके सामने है, उसके बाद में फिर दिवाली आ रहा है, सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा नेक्स्ट वर्कशॉप। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। पहले 3 बैच के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा था बिकॉज डिप्लोमा जस्ट लॉन्च हुआ था, तो ये 3rd बैच है आपका, सितंबर अक्टूबर का हो गया, नवंबर का ये लास्ट बैच है। उसके बाद में जो है फीस, जो है एक्चुअल फीस हम कॉस्ट करेंगे, आगे मैं बोलूंगा वो। सो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं पिछले 2-3 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, कोई है तो डिस्काउंट पे अटका रहा, बराबर उसके वो डिस्काउंट पे अटका रहा और इधर फीस जो है बढ़ते गया, ये सब चीजें होती है। तो डिसीजन लो, लेट मत करो। उतने में तो वो डिस्काउंट के चक्कर में उससे 10 गुना तो कमा लेते आप, अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो। लोग तो अभी मेरे पास ऐसे आते हैं कि एक एक गांव से है ना, दो दो गाड़ी गाड़ी भर भर के लोग आते हैं पेशेंट्स, और फिर यहाँ पे आके वो ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी जाना हो जाता है उनका, और किसी को बोला ही रहता है ब्राह्मण ने नारायण नागपली करो ये करो, तो उनका वो भी हो जाता है, साथ में बोन सेटिंग भी हो जाता है। अभी कैंसर रिहैब सेंटर भी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा नेचुरोपैथी के बेसिस पे, तो ये सब है। तो ऐसे ही आप जो है ना, हमसे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा, हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे जीरो से ये सब सेटअप खड़ा किया है। जब आप देखेंगे तो आपके एरिया में भी आप आराम से वो सेटअप जो है डेवलप कर पाएंगे। सो आपका वेन्यू क्या रहेगा? NIPS कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, नासिक त्र्यंबकेश्वर हाईवे, महाराष्ट्र। ओके, ये अपना ट्रेनिंग का वेन्यू रहेगा। यू कैन टेक कॉलेज अकोमोडेशन। देखो अकोमोडेशन पहले हमने रखा था, उसका 5,000 बढ़ा देते थे हम फीस में, लेकिन फिर क्या है, अकोमोडेशन कमिट क्यों करते थे, आपको ज्यादा से ज्यादा समय हम सिखा पाए और आप ज्यादा से ज्यादा समय जो है प्रैक्टिस के लिए दे पाओ, इसीलिए हम अकोमोडेशन रखते थे। लेकिन उसका अनुभव इतना घटिया हमें आने लगा कि किसी को पिलो बहुत बड़ा हो रहा है, उसको छोटा पिलो भी चाहिए ना, वो रात को 11:30 बजे मुझे कॉल कर रहा है, सर मुझे ना पिलो चेंज करके दो, सर मुझे ये पार्टिसिपेंट के साथ नहीं रहना है, सर मुझे कॉमन नहीं रहना है। ओके, सो अभी क्या है, हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड है। अभी पंचगव्य का ट्रेनिंग जब मैं लेने गया तो 5 दिन मुझे गौशाला में रहना पड़ा, वो भी नीचे चद्दर बिछा के। तो सीखना है तो ये करना पड़ता है। अभी आपको तो उतना सिचुएशन नहीं है ना, आपको तो अच्छे प्रीमाइसेस में रख रहे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम में, लेकिन फिर भी लोगों को 5-स्टार फैसिलिटी चाहिए, फिर उनका ध्यान ट्रेनिंग पे नहीं रहता है, ध्यान भी भटक जाता है, रिलेशन भी खराब हो। तो भाई हमने ऑप्शनल रखा है, आप आइए वहाँ पे देखिए, पहले दिन आओ ना, ब्रेकफास्ट लंच का आपको कोई चार्जेस नहीं है, आप देखो आराम से, आपको वहाँ पे कलीग्स भी मिलेंगे, आपको लगता है कि आप एलिट क्लास से हो तो आप 2-3 लोग मिलके रूम बुक कर लो, बराबर होटल्स के भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी है वहाँ पे आके देख लो। और किसी को लगता है नहीं मुझे तो मेरे कलीग्स के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आपके जो मेंटर है ना, वो जो हर महीने में 2-2 लाख रुपए कमा रहे उनके ओपीडी से, वो भी वहाँ पे आपके साथ ही रहते हैं, अगर वो रह रहे हैं तो आप क्यों नहीं रह पाते। ओके, तो ये बोलने की जरूरत क्यों है, अभी क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो इस पे 1-1 घंटा चला जाता है मेरा फोन कॉल। ओके, सो वहाँ पे आपके आके आपको डिसाइड करना है, जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग जो है प्रिपरेशन होगा अकोमोडेशन का। सो आपको सिर्फ 3 दिन का जो फूड है, अकोमोडेशन है, टी है, ब्रेकफास्ट है, ये सबके लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपया पे करना, ठीक है? तो जो है वो ले रहे हैं आपसे, तो इतना कम खर्चे में तो मोस्टली नहीं हो पाएगा ना, कहीं बाहर रूम भी ले, तो ये अफोर्डेबल है, आप वहां पे आके डिसाइड कर सकते हो। सो इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है, विच इज टोटली ऑप्शनल। पिछली बार ये टॉपिक मैंने स्किप किया था वेबिनार में, अकोमोडेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस बार डिटेल में ले लिया। कोर्स का फीस जो है ना वो तो आपको बताएंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि जो कोर्स हमको दे, हम आप हमें आपको आप, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, उसका एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। व्हाट इज द वर्थ ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग, सो लेट्स सी द प्राइसिंग व्हाट वी आर गेटिंग। एनाटॉमी लेक्चर्स किसी पैरामेडिकल कॉलेज के HOD से हमें मिल रहे हैं और उसका रिकॉर्डिंग्स भी मिल रहा है आपको, तो ये भी हम देखेंगे ना। तो आज के दिन में एक सेशन के लिए 10,000 से कम पैसा नहीं लगेगा। ओके, फिर 3 डेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स विद कॉम्प्रोमाइज देयर ओपीडी। वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ओपीडी जा रहा है
आपके पास कम से कम 3 मेंटोर रहेंगे, उनका ओपीडी जा रहा है, कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा है, नेचुरोपैथी सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है, तो कितना बिजनेस का वहां पे नुकसान भी तो हो रहा है ना, बराबर। तो आप ये पहले दिमाग से निकाल दो कि फीस ले रहे तो कैलकुलेशन तो लोगों का पहले दिन से ही चालू हो जाता है, यार इसको तो इतना लगाओ, इसको तो इतना लगाओ, सर ने तो इतना कम है, बराबर। तो ये निकालो, सीखने के लिए आ रहे, और समाज सेवा बिना पैसे के तो होती नहीं है ना, पैसा तो लेना पड़ेगा। ओके, सो 3 डेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का हम कहीं पे भी देखेंगे ना कि वही 4-5 एक्सपर्ट अगर आपको ट्रेनिंग दे रहे, तो आज के दिन में 2 लाख से कम नहीं है, लेकिन 30,000 पकड़ लो, अभी बहुत सस्ते हो गए कोर्सेस, ठीक है। सो BSS का 12 मंथ सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, अभी ये 6 मंथ का PPT में है, तो 6 मंथ का कॉलेज BSS के सर्टिफिकेशन कोर्स का मिनिमम कॉस्टिंग 15,000 है, 1 ईयर का 30,000 है, 2 ईयर का 60,000 है। सो 1 ईयर कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो 30,000 जोड़ लेते हैं, चलो मैं 15,000 ही रखता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टेक्निक्स टॉट इन वर्कशॉप, अभी बहुत जगह पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग किए जाते हैं उनके द्वारा, आप घर पे जाते हो, फिर आपको बोला जाता है अरे नहीं आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए ना तो आपको ना 15,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो पहले तो ले लिया 35,000, वापिस 15,000, 50,000 का टारगेट कम्प्लीट, बिकॉज घर पे जाके ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा कोई स्कीम यहाँ पे नहीं चला, ठीक है। आपको सेम डे ये सब वीडियो जो है प्रोवाइड वर्कशॉप में ही करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये भी आप लेने जाएंगे तो ये करता है। बेसिक काइनेसोलॉजी टेपिंग का ऑनलाइन वर्कशॉप भी करते हो ना, तो भी 8,000 से कम नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, ये तो 7,000 लिखा है, लेकिन ये इतना जबरदस्त साइंस है कि इसके लिए आज के डेट में मतलब जो लोग सीखे हैं ना वो 1-1 लाख रुपया पे करके सीख के आए हैं, और आपको जो है वो गीता का सार बोलते हैं ना वैसा डिलीवर कर रहे होगा। लेकिन मैं कम से कम 7,000 कंसिडर कर लेता हूँ कि वैसी फैकल्टी अगर आ रही है आपको सिखाने के लिए, तो कम से कम एक स्टूडेंट के पीछे इतना तो दे वो चार्जेस करेंगे, ठीक है। पंचगव्य एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज का प्रोटोकॉल मिल रहा है, अभी ये आपको लगेगा कि इसका क्या फायदा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा है आपके प्रैक्टिस में, सक्सेसफुल हीलिंग के लिए, और बिजनेस में भी है, और साइकोलॉजी के लिए भी ये पेशेंट के बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे पेशेंट को लगता है आपने तो कुछ दवाई नहीं दी, मैं ठीक कैसे होऊंगा, तो एटलीस्ट उसका बॉडी डिटॉक्स करने के लिए देह शुद्धि चूर्ण तो दे सकते हो ना, उससे उसका वात कम होगा, इंटेस्टाइन क्लियर रहेगा, ऑटोमेटिक पेन कम हो जाएगा, मसल में स्पैजम है वो रिलीज हो जाएगा, और 2 पैसा आपको भी मिल जाएगा। तो थेरेपी के लिए 500 दे रहा है तो और 200 मेडिसिन के लिए देके जाएगा। तो ये भी हम देखेंगे इसमें। 2 लाइव 1-to-1 सपोर्ट ऑन वीडियो कॉल फ्रॉम ओपीडी बाय एक्सपर्ट फॉर द हाँ, तो 1 मंथ में जो एक्सपर्ट्स है ना आपको 2 लाइव सेशन भी, सपोर्ट सेशन भी जूम मीटिंग पे देने वाले हैं, तो वो भी उनका ओपीडी कॉम्प्रोमाइज करके जो टाइम निकाल रहे हैं उसका भी 5,000 वर्थ हो जाता है। एंड डिसलोकेशन फ्रैक्चर मैनेजमेंट वर्कशॉप कहीं पे भी करने जाते हैं 1 दिन का भी, तो 10,000 रुपीज कॉस्टिंग है, ठीक है। तो इसको हटा देना है, निखिल सर आप याद करना मुझे, ये डिसलोकेशन है फ्रैक्चर का, या इसमें से हटा देना, ठीक है। तो ये क्या है, कंफ्यूजिंग है, ये वर्कशॉप करने के बाद में ऐसा होगा जो प्रैक्टिस कर रहे थे ना वो उनकी प्रैक्टिस भी छूट गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगे, और जो पेशेंट नहीं लेने वो भी लेने लगे, ठीक है। सो क्या है, 100 में से 95 पेशेंट करो ना, वो तो आपका ही बिजनेस है, 5 पेशेंट छोड़ दो। सो वी आर गेटिंग टोटल कोर्स वर्थ रुपीज 1 लाख, सबका अगर जोड़ करते हो आप समेशन कितना आता है, 1 लाख रुपीज। अभी ये 1 लाख का कोर्स आपको कितने कितने में देना चाहिए, कुछ आप बोल सकते हैं, कोई भेज सकता है प्राइजिंग, मुझे भी पता चलेगा। वॉइस कम आ रहा है, सबको प्रॉब्लम है क्या वॉइस का, सबको कम आ रहा है। माधुरी मैडम आप हो क्या, अभी तक कनेक्टेड हो? यस, ठीक है। तो समझ में आया ना, कुछ वॉइस कम आया है और उसके वजह से समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। तो आज का वेबिनार जो है घर से कंडक्ट करना पड़ रहा है मुझे, आज संडे था। ओके फाइन, अभी थोड़ा आगे आके करता हूँ, क्या है ऑफिस में सब सेटअप है, आज घर से ले रहे। आज एक सक्सेसफुल पर्सन मीट था हमारा, बहुत बड़े एक पर्सनालिटी को हम मिलने गए थे, पूरा टीम,
तो बताओ कॉस्टिंग, बताओ जा, डालो फटाफट, भूख नहीं लगी है क्या? कितने में चाहिए कोर्स? हेलो कॉस्टिंग, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, इंटरेक्ट करो, मुझे भी पता चलने दो, क्योंकि जब बार्गेनिंग करने लगते हैं ना लोग फोन पे, तब वो है ना सब्जी मंडी बन जाता है, यहाँ पे सब्जी नहीं बेच रहे। ओके तो पहले आप बोल दो कितने में चाहिए, फिर देखेंगे। हो सकता है ना, नो आइडिया इन द सेंस क्या है कि चलो ये सब, आप तो फिजियो हो, आपको तो मालूम है कोर्सेस के क्या प्राइजेस है, सब चीजें है, या आपने तो देखे भी होंगे सब एड्स वगैरह, तो क्या रहते हैं आज के डेट में, और ये सब इतना हम दे रहे हैं, सिर्फ फोन सेटिंग नहीं उसके साथ में भी दे रहे हैं। तो हमारा मोटो यही है कि सबको करते आना चाहिए, 70% डिस्काउंट है इसमें, और डिप्लोमा का जो कॉस्टिंग रखा है 30,000 इंक्लूडिंग 3 डेज वर्कशॉप। ओके ये हमने रखा है, 1 ईयर डिप्लोमा ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। अभी देखो सीखना है, क्वालिटी चाहिए, पैसा तो देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, एक सर्टिफिकेशन, वैलिड सर्टिफिकेशन मिल रहा है, और एक करियर आपका नया स्टार्ट हो रहा है, तो इतना तो बनता है ना। आपको जो सिखा रहे हैं वो भी तो सेटिस्फाइड रहेंगे, तो अगली बार सिखाने के लिए आएंगे या सपोर्ट देंगे आपको, बराबर। सो मिनिमम टू मिनिमम में ही कर रहे हैं ये सब चीजें, ओपीडी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सब चीजें है, ठीक है। 30,000 कॉस्टिंग है, किसी को ये 30,000 पे आफत है क्या, दिक्कत है क्या? थर्टी थाउजेंड है किसी का, 35,000 किसी का भी है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो हम सिखाते हैं ना 3 दिन में, इतना नॉलेज और इतने टॉपिक्स, होलिस्टिक हीलिंग कोई नहीं सिखाता। एक ट्रेनिंग हो गया नहीं कि दूसरे ट्रेनिंग का मार्केटिंग रहता है उसमें, एडवांस सुपर एडवांस। ओके कोई नहीं बोलेगा 3 दिन के बाद जाके सीधा पेशेंट पे काम करो, कोई आपको प्रोटोकॉल वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, मुझे लगता है सिर्फ माधुरी मैडम ही ट्रेनिंग लेगी, और उनके अकेले के लिए बैठा हुआ आज मैं, तो ऐसे काम नहीं बनता है, ऐसा रिस्पॉन्स है ना तो बंद कर देंगे वेबिनार वगैरह, ये एफर्ट लेते हैं सब, संडे के दिन भी, संडे का दिन सैटरडे का दिन खराब करते हैं। तो बाकी लोग नहीं है तो फिर माधुरी मैम से मैं फोन पे बात कर लूंगा, और वेबिनार को जो है बंद कर देते हैं यहाँ। खाली टाइम किसी के पास नहीं है ना, मैं चाहूँ तो मेरे रात को 12 बजे तक पेशेंट चलते। अभी आज 300 किलोमीटर से दूर से ही आने वाले पेशेंट की काउंट जो है ना हमारे ओपीडी की 12 है, जो नासिक के नहीं है, नासिक से कम 200-300 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये वेबिनार के लिए बहुत से अपॉइंटमेंट जो है ना कल या फिर नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल किया हमने, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलो मैं खत्म करता हूँ। तो इसमें देखो और सस्ता कर दिया आपके लिए, 23,000 में हमने जो है ये आपके लिए कोर्स ऑफर किया है, ये सिर्फ पहले 3 बैच के लिए था, अभी ये लास्ट बैच है, अगली बार से 30,000 स्ट्रिक्टली फीस रहेगा। अभी मैं वेबिनार में बोल देता हूँ, बहुत से लोग क्या है ये प्राइस का डिस्कशन आता है ना तो मैसेज नहीं करते, बोलते नहीं, उनको लगता है बाद में कॉल कर लेंगे ना, बराबर, तो ऐसा नहीं है। सो आपका जो बच्चा है अगर वो 1200 में पढ़ रहा है, वो बोलता है पापा मुझे फिजिक्स का क्लास लगाना है, कितना है रे एक सब्जेक्ट का? 20,000 एक सब्जेक्ट का है, तो एक काम कर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों लगा ले, ओके और 60,000 रुपया भर देते, तब तो नहीं सोचते एक सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे तो पूरा स्किल डेवलप करना है, उस पे करियर करना है। इंजीनियरिंग जब 4 साल किया या कोई डॉक्टर बनता है, या अभी जैसे मेरा BNYS भी कंप्लीट हो जाएगा, तो कम से कम 4-5 लाख तो फीस भर देते, बराबर, और यहाँ पे कितना भर रहे, तो ये भी हमें सोचना है, ठीक है। सो वैल्यू फॉर मनी है, तो इसमें आपको 7,000 का डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा एड ऑन पास ऑन हो रहा है, इसमें आपका अकोमोडेशन आने जाने का खर्चा निकल जाए, बस यही मेरा उद्देश्य था, बाकी कुछ नहीं है। ये जो डिस्काउंट पास ऑन किया कि सर मैं तो हैदराबाद से आने वाला हूँ, मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, मैं तो केरला में रहता हूँ, ठीक है ना भाई, फ्लाइट लेके आओ, 7,000 बचा दिया आपका, ठीक है।
आहो रहो, तो बाय पेइंग 16,500 ऑल्सो यू कैन अटेंड द 3 डे सेशन। तो 16,500 भर के भी आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास 23,000 अभी नहीं है, वैसे भी आपको सर्टिफिकेशन जो है 3 महीने के बाद देने वाले हैं, सो आप 16,500 पे करके सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है विद इन 20 to 30 days आपको रिमेनिंग पेमेंट करना है, 16,500 जो बचा है डिप्लोमा के लिए। लेकिन अगर कोई वन टाइम पेमेंट करता है तो हम उसे डिस्काउंट भी तो पास ऑन करते, क्योंकि हम भी फिर चार चार बार आपको पेमेंट के लिए कॉल करेंगे, ये भी तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। तो ये भी है वर्किंग प्रोफेशनल जो है, जैसे मैडम फिजियो है, तो ये सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्स फिजियो है, और कोई कोर्स अगर उनका हुआ है मैनिपुलेशन टेक्निक के ऊपर तो वो स्किप भी कर सकते हैं डिप्लोमा। बट स्पेशली जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है नॉन मेडिकल, उनको तो डिप्लोमा लेना ही है। ओके, तो ये भी मैंने आपके लिए करके दिया है कि आप अभी स्टार्ट करो, 16,500 भी पे कर सकते करते हो तो अभी आपको जो है तुरंत सब ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, उसमें आपको ऐड किया जाएगा और आपका लर्निंग जो है डे वन से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वही मैंने नीचे दिया है। हाँ, अभी इसमें और एक इजी कर दिया कि स्पॉट डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो अभी तुरंत तो 16,500 नहीं पे करेंगे या 23,000 पे नहीं करेंगे, तो 5,000 अभी पे करना है आपको, रजिस्ट्रेशन कर लेना है ये बैच के लिए। इनकेस ये बैच में आपका ऐसा कुछ आगे जाके शेड्यूल नहीं बनता है तो अगले बैच के लिए भी वो कंसिडर किया जाएगा एडवांस आपका, लेकिन फीस जो अगले बैच का रहेगा वही आपको लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ही 5,000 आप पे करते हो, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक दो दिन में एक दो बार आप देख लो आराम से। फिर उसके बाद आप बोलते हो सर मैंने देख लिया है, आप फिर रिमेनिंग जो 11,500 है वो भी आप अगर पे करते हो तो आपको नेक्स्ट जो है वो ग्रुप में जो है वो ऐड किया जाएगा। तो ये भी हमने रखा है। अभी इसमें क्या है, एज अर्ली यू पे द रिमेनिंग 11,500 यू विल गेट ऑल स्टेप्स वीडियो एंड, तो जितना जल्दी आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आप सब आपके लिए जो है एक्सप्लोर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ट्रेनिंग में, बिकॉज आपको मेन ग्रुप में ऐड करना है ना, तो वहां पे तो ट्रेनिंग के बाद ही ऐड करते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो पार्शियल पेमेंट में ऐड कर दिया और फिर आप ट्रेनिंग के लिए आए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पेमेंट आया तो आपको एक बार ऐड कर दिया तो फिर वहां से निकलते नहीं है किसी को। ट्रेनिंग भी कैन बी रिड्यूस एज फॉलोस। अभी भी किसी को लग रहा है सर डिस्काउंट डिस्काउंट, ओके, और आधा पौना घंटा मेरा खाना चाहते हो फोन पे, तो मैं बोलता हूँ मांगना अच्छा नहीं लगता है ना, किसको अच्छा लगता है मांगना हाथ फैलाना। तो आपका डिस्काउंट जो है ना आप ऑन करो, ठीक है, कुछ तो करो और कमाओ, हमारे मिशन में पार्टिसिपेट करो, लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प करो और डिस्काउंट कमाओ। गेट डिस्काउंट ऑफ ₹1,000, जितना हो सकता है उतना देते हैं, 50,000 फीस रहता तो 5,000 दे देता मैं। सो गेट डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 पर कैंडिडेट फॉर अ रेफरल फॉर कोर्स, जो आप अगर आप कोर्स रेफर करते हो ये कोर्स के लिए किसी कैंडिडेट को, वो एडमिशन लेता है तो पर कैंडिडेट आपका 1,000 डिस्काउंट होता है। आप ग्रुप में भी आते हो तो इसी स्कीम से आप सबको डिस्काउंट पास ऑन होता है। उसमें और एक डिस्काउंट रखा है, डिस्काउंट और कैशबैक ऑफ ₹1,500 इफ पेड फॉर डिप्लोमा एडिशनल, ठीक है छोड़ो, एडिशनल डिस्काउंट 1,500 है जो है वन टाइम पेमेंट के लिए आप, कि जैसे आपका 23,000 फीस है ना, आप वन टाइम पेमेंट करते हो या फिर आज 5,000 कर देते हो और अगले 2 दिन में अगर आप रिमेनिंग पेमेंट भी डालते हो तो भी आपको 1,500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट पासन होता है। मतलब फीस क्या हो जाएगा आपका 2,100 ही हो जाएगा। तो उसमें आपका अकोमोडेशन का भी खर्चा मैंने निकाल दिया जो यहाँ पे आके आपको देना है, बराबर, सिर्फ 500 में 3 डेज का अकोमोडेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए 2 दिन का आपको समय भी मिलता है, अभी भी आप कर सकते हैं, अभी 5,000 लेके फिर आपका शेड्यूल देख के 2 दिन में कंफर्म करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1,500 एडिशनल वो मिलेगा, और आप अगर दो चार अभी पिछली बार नेक्स्ट पिछले ट्रेनिंग में आए थे, पिछले के पिछले ट्रेनिंग में आए थे अक्टूबर के सितंबर के, तो वो 8 उनके टीम से 8 लोगों को लेके आए, वो हीलिंग प्रोफेशनल मी थे, तो हो गया ना उनका काम वहाँ पे, ₹8,000 तो जगह पे बच गया उनका, और प्लस उन्होंने वन टाइम पेमेंट किया उसका डिस्काउंट और 1,500 मिल गया, 9,500 तो ऐसे ही कमा लिया। लेकिन अभी क्या हुआ, जो लोगों को लेके आए ना
उनका इतना अच्छा टीम फॉर्म हो गया कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और बहुत जोरों से उनका काम जो है बढ़ रहा है, क्योंकि अकेले का काम नहीं है। जब पेशेंट का लोड बढ़ता है तो आपको एक दो तीन लोगों की जरूरत होती है बराबर। सो ग्रुप में काम करेंगे और बढ़िया है। सिर्फ जेंट्स से नहीं होता है, लेडी कैंडिडेट भी इसमें नेसेसरी होता है। कई कोई पेशेंट जो रहते हैं चूजी रहते हो, बोलते नहीं हमें लेडी कायरोप्रैक्टरी चाहिए, वही हाथ लगे। तो अगर आपके पास वो है तो एडिशनल आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है पेशेंट के लिए। ओपीडी में आप और पेशेंट अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत से कपल भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, बढ़िया काम इसमें कर सकते हो। सो मोर यू रेफर मोर डिस्काउंट यू विल अर्न। ये पीछे कुछ नीचे कुछ इमेजेस वगैरह डाले हैं, आप देख लो सच में ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं। नहीं तो क्या हो जाता है, पेमेंट कर दिया सर और फिर बैंगलोर गया, पता चला वो एड्रेस भी नहीं था और कोई नहीं था वहां, ठीक है। तो मेक पेमेंट ऑफ आए है लोगों को अनुभव ऐसे शेयर करते हैं, तो वो ये डालते हैं पिक्चर वगैरह सब। फैकल्टी का फोटो इसीलिए हमने डाल दिया है, चैनल है यूट्यूब का, उस पर आप लाइव देख सकते हो सब चीजें, गूगल पे सर्च कर सकते हो कॉलेज का लोकेशन। सो मेक पेमेंट ऑफ 5,000 नाउ टू कंफर्म योर सीट। ये मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट करना है, डिवाइन टच नाम आएगा, एंड ये स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे जो है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको डाल देना है, ठीक है। सो हरी अप लिमिटेड सीट बैच, यू बूस्ट योर करियर एंड इनकम विथ अस। आपका जो भी करियर है, करियर नहीं है, रोजगार नहीं है, ढूंढ रहे हैं, खुद का स्टार्ट करो। ये फील्ड को अभी बहुत डिमांड है, लोग अभी अवेयर होने लगे हैं, ढूंढते हैं वो बोन सेटिंग कहाँ पे होता है या फिर ट्रेडिशनल हीलिंग नेचुरली हम कैसे हील हो सकते हैं। कोरोना के बाद में बहुत अवेयरनेस आ गया साइड इफेक्ट्स देख के, तो इसमें बहुत बढ़िया करियर है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल हीलिंग जो है जामनगर में इंडिया में बन रहा है WHO द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ा मार्केट जो है इंडिया में, बाहर से भी आने वाला है, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। और जिसका प्रैक्टिस चल रहा है उसमें उसको अगर बूस्ट करना है प्रैक्टिस को 10 टाइम्स, रॉकेट लगाते हैं ना पीछे, तो ये टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। इसके कुछ एग्जांपल भी है, एक एग्जांपल पहले डाला था वो मैंने एक सर का, वो आपके अभी मेंटोर भी रहेंगे, तो आगे हम देखेंगे। आफ्टर कंप्लीट पेमेंट यू विल गेट ए इमीडिएट एक्सेस टू रिकॉर्डेड एनाटॉमी लेक्चर, ये सब मैं बोल चुका, तो डिसीजन अभी लेना है, ओके। गुब्बारे में मैंने हवा तो भर दिया है ना, फिर क्या हो जाएगा, वापिस 2-3 घंटे रात के बाद में वो हवा निकल जाएगा, वापिस कॉल करेंगे, वापिस मेरा 1 घंटा खाएंगे और फिर वापिस ये सब क्या सेट दोहराना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। सो डिसीजन लो, 5,000 पेमेंट करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक कर दूंगा, जो अभी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते हैं ना उन सब के लिए 21,500 में फीस कर देता हूँ, चाहे आप 2 दिन में दो या फिर 8 दिन में पेमेंट या फिर अभी पूरा कर दो, ठीक है। तो ये एडिशनल कुछ तो भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिलना चाहिए ना, ठीक है। सो इसमें मैं आपको 1,500 जो है फ्लैट सबके लिए डिस्काउंट रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, हम आगे के स्लाइड पे बढ़ते हैं, या फिर नंबर अगर डालना है तो निखिल सर आप ये नंबर जो है चैट में डाल देना पेमेंट के लिए। अभी सक्सेस स्टोरी पे जाते हैं, नीरज शाह सर का सक्सेस स्टोरी है, बहुत सी स्टोरी है लेकिन फिर वो PPT में अपडेट करना, वो यहाँ पे आएंगे तो बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मेंटर्स आपको मिलेंगे, केस स्टडीज भी मिलेगी। तो नीरज सर का एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा, नीरज सर आप कनेक्ट हो? हाँ सर, कनेक्ट है सर। हाँ, अभी नीरज सर जो है श्रीरामपुर में उनका ओपीडी देखते हैं, और एवरी सैटरडे संडे डिवाइन टच का पूरा ओपीडी नासिक सिटी का सर हैंडल करते हैं। तो सर को बहुत अच्छा काम सर कर रहे हैं, पेशेंट मेरे मुझे छोड़ के अभी सर के आने का वेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, बढ़िया है, यही मुझे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो और आगे लेगेसी भी मेंटेन कर रहे हैं वो खुद तो करते हैं लेकिन आगे वो सिखा भी रहे हैं, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद कितना करेंगे ना, जब भी आप करते हो आपके साथ में कोई तो भी सीखना चाहिए, सीखने वाला चाहिए, तब जाके आपका काम जो है आपके एक्सपीरियंस में भी चलेगा। इस पे भी हमें बात करनी है, सब वेबिनार में नहीं बोलेंगे, तो ये चीजें भी आपको कोई गाइड नहीं करेगा, इसमें फिजिकल फिजिकल मेहनत है, आपको वर्क है। कितना करेंगे आप, उम्र के 70 साल तक थोड़ी ना करेंगे, कितना पेशेंट करेंगे दिन में,
बराबर 8-10 हजार पेशेंट हो जाएगा तो फिर बॉडी जवाब देने लगेगी, क्योंकि उतना मेंटेन खुद के लिए भी करना पड़ता है, खुद कर पाएंगे क्या? तो एक एक बंदा आपके पास चाहिए जो आपके साथ में ट्रेन हो रहा है, क्यों? वो पेशेंट करे ना करे, वो पेशेंट हो जाने के बाद में एंड ऑफ द डे या वीकली वंस आपका तो भी सेटिंग करके देगा। ओके, तो ये भी जरूरी होता है। तो सर आप कुछ शेयर करेंगे? सामने तो पूरा मेरे रखा ही है। हम तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम अगर आप ये कोर्स एनरोल करते, ये बाकी सब कोर्स में मैंने दो इंटरनेशनल कोर्सेज भी किया है, मैंने ऑस्टियोपैथी का भी किया है, सर आपको लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ, थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? बैकग्राउंड ऐसा है, वीडियो ऑन कर दीजिए सर। सर मी बाहर है सर जी। चालेल ना सर, तरी बघू द्या सगळ्यांना एकदा चेहरा, नंतर परत बंद करा। बट वही जो यहाँ पे दिखा रहा है वही पर्सन बोल रहा है के सामने से, ये क्या है? अभी इतने साल में बहुत एक्सपीरियंस आ गए हैं। हाँ बस बस हाँ देख लो भाई, चेहरा देख लो। देखो, तो ओपीडी बाकी सब कोर्सेस में और यहाँ पे आपको जो यूएसपी रहेगा, एक अलग जो हाईलाइट रहेगा ना, वो ये रहेगा, इस कोर्स में हम आपको जो है पेन को ट्रीट करना नहीं सिखाते हैं, रूट कॉज को ट्रीट करना सिखाते हैं। तो जब आप रूट कॉज को ट्रीट करना सीख जाते हो ना, तो वो रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है। जैसे कि गर्दन में दर्द है, तो नॉर्मली बाकी सब कायरोप्रैक्टर या ये क्या करते हैं, सिर्फ सर्वाइकल मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, लेकिन वो रूट कॉज क्या है, वो गर्दन क्यों दर्द हो रही है उसकी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसमें हम जो ट्रेनिंग देते हैं, आशीष सर ने जो एक मॉड्यूल बनाया है, उसमें ये स्पेशलाइजेशन यही है कि रूट कॉज को ट्रीट करना है हमको, यानी पेशेंट का जो पेन है वो अपने आप कम हो जाता है या चला जाता है, और वो जो उसको रिजल्ट है वो लॉन्ग टाइम मिलता है। ऐसे नहीं कि वो हर 15 दिन के बाद आपके पास आएगा, बोलेगा कि नहीं अभी फिर से मेरा गर्दन दर्द हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी जो अलग चीज है इसमें। और कोर्स तो सिर्फ बोन सेटिंग का है, लेकिन आशीष सर ने जो मॉड्यूल बनाया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइव ट्रेनिंग के वक्त पता चलेगी, जो सिखाई जाएगी, जो किसी कोर्स में नहीं सिखाते, जो अंदर की जो हिडन ट्रिक्स होती है वो कोई नहीं, मैनिपुलेशन हर कोई सिखाता है, लेकिन हम एक बोलते हैं ना कि एक हाईलाइट या ये होता है तो वो कोई नहीं सिखाता है, लेकिन इस ट्रेनिंग में आशीष सर जो है मॉड्यूल ही ऐसा बनाते हैं, यानी वो हर वो ट्रिक जो उनके ओपीडी में उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट के वक्त दी जाती है, वो हर चीज ये कोर्स में सिखाया जाता है। ऐसा सीक्रेट नहीं कि सीक्रेट रेसिपी बोलते हैं ना, हाँ वो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन यही है कि डिवाइन टच नाम जो दिया है ना, वो डिवाइन टच आपको यहाँ पे मिलेगा, देखने भी मिलेगा कि काम तो वही कर रहे हैं जो जो बाकी लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना रिजल्ट क्यों आता है? बस एक सिटिंग काफी है, ये अभी टैगलाइन बन गया हमारा। तो हम कैसे चैलेंज लेते हैं कि 12 साल का प्रॉब्लम है ना, एक ही सिटिंग के लिए आओ। कहाँ से आ रहे हो आप? हिमाचल प्रदेश से आ रहे हो क्या? आ जाओ, शिमला से आ रहे हो आ जाओ, एक ही दिन के लिए आओ, एक सेटिंग लेके जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? काम किया है तो आ रहा है, वो हिसाब से थिंकिंग रखा है तो आ रहा है। ठीक है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो क्या है, पेशेंट तो आएंगे आपके पास। सर का अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे तो सर ने पहले भी कुछ ट्रेनिंग्स लिए थे ना, जैसे सर ने बोला इंटरनेशनल ट्रेनिंग सर करते थे, लेकिन जब सर ने हमारे वर्कशॉप भी अटेंड किया था, 15 जून को ही किया है सर ने, 2023 को, पहले बोन सेटिंग सीखे थे, लेकिन जब ये रिवाइंड टच का वर्कशॉप अटेंड किया और फिर रूट कॉज पे काम करना जब सर ने देखा और हमारा प्रोटोकॉल सर ने सीखा और सर ने वापस जब प्रैक्टिस चालू किया, तो जो उनका एवरेज 2 से 3 पेशेंट पर डे का था, वो 20 to 25 पेशेंट 45 डेज के अंदर ही चला गया। इनकम तो बढ़ ही गया इसमें, लेकिन ये इसमें उन्होंने ना कोई पब्लिसिटी नहीं किया था, कोई ऐड चलाया वगैरह ऐसा नहीं, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से उनका चार ग्राफ जो इतना बढ़ गया कि 10 टाइम्स ग्रो कर गया ओपीडी उनका 1.5 महीने में। ओके, तो पैसा भी तो आने लगा ना। अभी सर का 3 3 ओपीडी है, 3 3 सिटी में है, वो चीजें। अभी सर अच्छा काम कर रहे, तो हमने उनको फ्रेंचाइजी भी ऑफर कर दिया, तो ये चीजें है। आपके सिटी में भी करेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। एक मिनट में नहीं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये है, अभी सर ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने,
ये मैंने बोला नहीं था सर को कि बोलो, हम जो लाइव सपोर्ट सेशन लेते हैं यहाँ पे, वो उसका लिंक भी है, तो ये लिंक अगर मैं आपको दूंगा ना, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि सर ने खुद ने स्पॉन्टेनियसली शेयर किया है कि क्या फर्क उनके ओपीडी में आया था। ठीक है, लिंक भी मैं शेयर करता हूँ। अभी किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे ना, आप चैट में डालते रहो, मैं एड्रेस करता हूँ। और जिन्हें पेमेंट करना है ना, वो पेमेंट करके वो स्क्रीनशॉट डाल के रखो, जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा ना, वेबिनार खत्म होने के तुरंत बाद आपको एनाटॉमी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपने वो देखना चालू कर देना है। ठीक है, और एक बात शेयर करनी थी कि इस ट्रेनिंग में और बाकी ट्रेनिंग में जो डिफरेंस है ना, ट्रेनिंग के बाद में जो सपोर्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है। बाकी जगह पे एक बार ट्रेनिंग हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म हो गई। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने बैंगलोर में ऑस्टियोपैथी का 4 डेज का हैंड्स ऑन वर्कशॉप किया है, इटली के ट्रेनर थे। लेकिन ज्यादा मत बोलो, ज्यादा वर्कशॉप होने के बाद डिटेल्स नहीं देना है। कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, वर्कशॉप होने के बाद जब कोई ओपीडी करता है, कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये पेशेंट है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का है, तो मैनिपुलेशन करना है नहीं करना है, या क्या ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल करना है, वो जो एक सपोर्ट ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, उसमें रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हो और उसका आपको इंस्टेंट जो है उसका आंसर मिल जाता है कि इस पेशेंट को आप मैनिपुलेशन करो या फेशियल रिलीज करो या फेशियल मैनिपुलेशन करो, फिर सेकंड सिटिंग में आप उसको मैनिपुलेशन करो या मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब चीजें ये ट्रेनिंग के बाद में ना ये मिलती है और लाइफ टाइम के लिए मिलती है, जो दूसरी जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मैं खुद पर्सनली 2 साल में मैंने 6 कोर्सेज किए। सर का जो है किया था वो 7th था, लेकिन वो 6 कोर्स होने के बाद जो है ना, वो कोर्स हुआ, सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद में आज तक वो ऑर्गेनाइजर और वो ट्रेनर कांटेक्ट में नहीं है हम। सर लेकिन और यहाँ पे नहीं, क्लैरिटी, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है ना, 6 कोर्स किए लेकिन क्लैरिटी कब आई? जो 7वें कोर्स को आई पहले जो हाँ, था वो क्योंकि सब कंटेंट सब था लेकिन खिचड़ी पकाना नहीं आता था, प्रॉब्लम ये था। यहाँ पे जो मैं बोला ना कि पहले जो था ना वो सिर्फ पेन को ट्रीट करना, सर्वाइकल है तो ये मैनिपुलेशन करो, बैक पेन है तो लंबर का ये मैनिपुलेशन करो। लेकिन जब रजत सर का, आशीष सर का ये ट्रेनिंग मॉड्यूल किया, तब वहाँ पे कंसेप्ट पहले क्लियर हुआ कि हमको पेन को ट्रीट नहीं करना है, रूट कॉज को ट्रीट करना है, तब जाके हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ दे पाएंगे। करेक्ट, थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू सर। एक मिनट, अभी आपको मैंने फोटो दिखाया था, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी। सो डॉक्टर का इंट्रोडक्शन अगर मैं बोलूं, तो बैंगलोर का जो कैंसर रिसर्च सेंटर है ना, कैंसर केयर इंडिया बैंगलोर, वहाँ के सीनियर मोस्ट ऑनको न्यूरो सर्जन है। उनके अंडर 2700 ऑनको न्यूरो न्यूरो सर्जन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और सर ने इतना बिजी शेड्यूल, सर्जरी के शेड्यूल से टाइम निकाल के सर ने हमारा वेबिनार जो अटेंड किया, उसके बाद में डिसीजन लिया कि हमें नासिक जाके ही इनसे ही ट्रेनिंग लेना है। तो उन्हें तो नॉलेज की कमी नहीं है ना, वो इतना एक्सपर्ट फैकल्टी है कि वो मतलब आधा महीना तो फॉरेन में ही रहते हैं लेक्चर्स के लिए और क्रिटिकल सर्जरी के लिए। ऑनको न्यूरो है और चाइल्ड पे या न्यूबॉर्न चाइल्ड पे सर्जरी करना, न्यूरो सर्जरी कोई आम बात नहीं है। सर का डेजिग्नेशन तो बहुत बड़ा है, प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है सर को। तो ऐसे व्यक्ति अगर आ रहे हैं सीखने के लिए और सीखने के बाद अप्रिशिएट भी करके जा रहे हैं, अभी ये सब वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है लेकिन समय नहीं है इसको प्रॉपर वे में आप तक पहुंचाने का। पेशेंट का लोड है, बाकी सब लोड लेके रखे हैं, तो इतना है अभी है। किसी को डिमांड करता है तो सर का रिव्यू का वीडियो भी है, वो डाल देंगे शॉर्टली। ठीक है, वो भी बना लेंगे पोस्ट उसका, तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते हैं ना, और अभी सर के मोटिवेशन से ही हमने जो है कैंसर रिहैब सेंटर, हम नेचुरोपैथी और पंचगव्य चिकित्सा के थ्रू
जो चालू कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टीज का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैंसर के साथ डील करना इट्स नॉट अ जोक, कैजुअल्टी के भी केसेस हो सकते हैं, तो इसमें जो है सब एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं। मैं किसी एलोपैथी प्रैक्टिशनर या ऑपरेशन करने वाले लोग सजेस्ट करते हैं, ऑर्थोपेडिक, इनके खिलाफ नहीं है हम लोग, ये होलिस्टिक है। अभी आज जाके ऐसा नहीं है कि मेरा तो ये काम है मैं यही करूंगा, ऐसा नहीं है। अभी वो एक होलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, दुनिया में, हीलिंग के लिए, तो इसे सबको मिलके काम करना चाहिए। अभी हमारे कॉलेज के पैनल पे BMS भी है, नेचुरोपैथी वाले भी है, पंचकर्म थेरेपिस्ट भी है, बाकी अल्टरनेटिव थेरेपीज में आप जो बोलो वो थेरेपी सिखाने के लिए हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है। न्यूरो थेरेपी बोलो, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, कपिंग है, उसमें 30 टाइप्स का तो कपिंग होता है, तो आप जो भी आप सीखना चाहते हो ना फैकल्टीज अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है ये बोन सेटिंग, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, सब थेरेपी का बाप जो बोल सकते हैं ना वो है ये आज के डेट में, बोन सेटिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का अलाइनमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सॉरी अब डू इट बाय टुडे, ठीक है, ये बोलने की बात है, जिसको करना है वो तो करने ही वाला है, डिसीजन अभी लेना है आपको। ठीक है, इतना आपको सेशन दिया है, अप्रिशिएट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सॉरी अब डू इट बाय टुडे इन वेबिनार, एवरीवन विल बी एलिजिबल फॉर 23,000 फीस। ठीक है, तो पहले 30,000 था वेबिनार में जो करते हैं उनको, 23,000 हो जाएगा फीस, तो ये स्लाइड ही मैंने हटा दी, जो है वो है भाई। ठीक है, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव द रिजल्ट एंड वी हैव अ गुड कॉज टू कंडक्ट दिस ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये कम्युनिटी को ही ज्वाइन करता है, उसके लाइफ में स्किल वाइज भी, सोशियली भी एंड फाइनेंशियली भी प्रॉस्पेरिटी लाना ये हमारा जिम्मेदारी है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो। नहीं तो बहुत से लोग आते हैं सीख लेते हैं और घर पे जाके फिर भूल जाते हैं, सब करते नहीं, हाथ ही नहीं लगाते, पेशेंट के ऊपर काम नहीं करते, वीडियोज नहीं भेजते, ऐसा मत करो। करियर तो इसमें बहुत बढ़िया है, उसके आगे जाके भी आप कैसे एक क्लिनिक से 4 क्लिनिक भी आप कैसे हैंडल कर सकते हो बिना आपके वहां पे विजिट किए, इसके लिए भी हमें काम करना है। ऐसा अगर पिक्चर हो जाता है और रोज का 100 पेशेंट आपका हो रहा है तो हो गया ना, फिर आपका तो फाइनेंशियली फ्रीडम भी आ गया आपके पास, और इसमें आपको रिस्पेक्ट तो मिलता ही है सोसाइटी से। डॉक्टर लोग तो डॉक्टर कहेंगे, आप मत लगाओ डॉक्टर, आप थेरेपिस्ट ही लगाना है आपको, बोन सेटर लगाओ, मैनुअल थेरेपिस्ट लगाओ, आप मत बोलो, आप मत लगाओ डॉक्टर, लेकिन लोग तो डॉक्टर ही बोलेंगे आपको, क्योंकि वो बोलते हैं आपने तो हमें ठीक किया, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए सर, बराबर ये चीजें। लोग और हमारे पास कब आते हैं, लोग थके हारे आते हैं, सब जगह पे जाके 5-10 लाख रुपया गवा के हमारे पास आते, फिर 500 रुपया भी नहीं रहता उनके पास देने के लिए। तो ये पिक्चर कहीं पे तो मुझे चेंज करना है, हमें जो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जा रहा है ना भाई, हम अल्टरनेटिव नहीं है, पहले यही होता था दुनिया में, सब यही था, ये बिजनेस के लिए आपने एलोपैथी को प्राइमरी बना दिया उधर। पहले कोई गिर जाता था, पैर में मोच आ जाती थी या कहीं फ्रैक्चर हो गया, जो भी हो गया, तब एलोपैथी नहीं थी, पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ता था, मैनिपुलेशन करके उसको सही जगह पे लाना ही पड़ता था, तो हार्डवेयर कुछ तो मैनिपुलेशन कर रहा है, मसाज कर रहा है, लेकिन वो फिर पेन मैनेज करता था, मतलब क्या करते थे, बॉडी को सडनली वो बैक टू नेचर लेके आते थे और अगेन उसे यूज कर रहे, तो बैक टू, अगर प्रॉपर अलाइनमेंट बॉडी का है उसको 100 साल भी यूज करेंगे ना आप, तो कभी वो आपको धोखा नहीं देगी, वो पुर्जे चलेंगे आप, पहले ये काम होता था। अभी पेन किलर आने के बाद क्या हो गया, हम गिर गए मोच आ गई तो क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे, वो मेडिकल वाले के पास जा रहे हैं, अभी फिर तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, तो मेडिकल वाला दे रहा है ना जो दवाई हम खा रहे, आपको लग रहा है ठीक हो रहा है, महीना महीना भर दवाई खा रहे, वो ठीक हो रहा है क्या, वो जो आपका वर्टिब्रा जो है उसका पोजीशन चेंज हो गया है, वो दवाई खाने से सही जगह पे आने वाला है क्या, या सिर्फ मशीन लगाने से वो होगा क्या, तो ये सब चीजें हैं। तो एक्टिव थेरेपी, मैनुअल थेरेपी इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है, तो लोगों को अभी बताने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम हो गया ये सब चीजें, और जहां पे जरूरी है एलोपैथी में जाना ही है ना, वो नहीं जाना है ऐसा नहीं है, वो है इसीलिए तो इतना सर्वाइवल रेट बढ़ा है दुनिया का, नहीं तो क्या हो जाता, तो उसे भी अप्रिशिएट करना है। लेकिन प्राइमरी क्या है, पहले वहां पे जाके बाद में हमारे पास आते हो, उससे अच्छा यहाँ पे आएंगे तो 5 लाख बचेगा, 5,000 में रिपेयर होके जाएंगे, बाद में क्यों आते हो,
और उससे साइड इफेक्ट्स बॉडी में ले लेते हो वो अलग से। तीन, अभी तो क्या हो रहा है, पहले शुगर बीपी की टैबलेट कंपलसरी चलती थी, फिर शुगर की भी ऐड हो गई, अभी तो वो हिपेरिन की भी चलती है खून पतला होने की, तो ये तो कंपलसरी हो गया। अरे ये इसके साइड इफेक्ट्स भी तो हो रहे हैं बॉडी पे, क्यों खा रहे हो इतना, जरूरी है क्या सच में? बॉडी उसके हैबिचुअल हो गई बॉडी, ये कैसे हो रहा है, क्या है इसमें? नहीं जाएंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, तो जितना जरूरी है उतना करना चाहिए, किस कौन से चीज पे कितना हावी होना है ये हमने सोचना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं, किसी को नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करना है तो वो भी अवेलेबल है, उसमें हम आपका नेचुरोपैथी का वर्कशॉप तो होता ही है, 2 साल का है वो डिप्लोमा, उसके 2 वर्कशॉप हम लेते हैं नेचुरोपैथी के, उसमें आपको बॉडी डिटॉक्स भी सिखाया जाता है और साथ में फिर योगा और आपका भी हो जाता है वहां पे, डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है तो वो भी निकल जाती है विदाउट ऑपरेशन, तो ये सब चीजें हैं, मैजिक है आयुर्वेदा में। और पेन मैनेजमेंट आप बोलेंगे ना, पेन किलर से भी फास्ट ये मैनिपुलेशन थेरेपी देता है, या फिर आयुर्वेदा में रेमेडीज है, तो सीखेंगे करेंगे, तो ये सब होलिस्टिक अप्रोच रखना है। मैं ये सिखाऊं तो बस मैं यही करूंगा, जरूरी नहीं है अभी हम इतना सब क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हम ये सब सीखे, क्योंकि हमें होलिस्टिक, हमें अल्टीमेट रिजल्ट डिलीवर करना था, और उसके लिए जो बन पड़े, जो सीखने की जरूरत है हम सब सीखेंगे, लेकिन नेचुरली ही पेशेंट को ठीक करेंगे, चाहे कितना भी क्रिटिकल है, तो ये सब होलिस्टिक वे में काम करना पड़ता है। आप जुड़ोगे तो और बढ़िया काम होगा, ठीक है? चैट में कुछ आया है? ओके, वॉल्यूम एट मॉर्निंग, ग्रेट। और किसी के कुछ डाउट्स क्वेरी है तो पूछिए व्हाट्सएप पे, मैसेज आए हैं कुछ तो ठीक है, जो भी डाले हैं स्क्रीनशॉट मैं आफ्टर वर्कशॉप चेक कर लूंगा, क्योंकि अभी इतने रात को तो स्टाफ नहीं रहता है अवेलेबल, मैं पर्सनली सबको जो है लेक्चर्स डाल दूंगा। ओके, तो कुछ डाउट्स क्वेरी रहेंगे तो पूछेंगे, मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ, और काम करो, स्टार्ट करो, हेजिटेशन मत रखो, शुरू करने से ही आता है, तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ता है, मेरे से होगा, बहुत से लोग बोलते सर मेरे मुझसे होगा क्या ये, मैंने तो कभी नहीं किया है, 80% लोग, 80% लोग वैसे ही रहते हैं, और मेडिकोस से भी अच्छा काम नॉन मेडिकोस करते, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता ना, वो वही करते जो हम उसको बताते, और हम गलतियों से सीखे, वो गलतियां करते ही नहीं है तो और आगे बढ़ते, क्योंकि वो सरेंडर हो जाते हैं टोटली, वो डाउट नहीं रखते किसी भी चीज पे। ओके, हाँ चैट में डाल रहे, डालो या फिर यही कर लो अनम्यूट करके।